हर साल प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो एक टॉपर था, मैं ये नहीं कह रहा सपना छोड़ दो, क्यों नहीं चलेगा यूपीएससी में, नहीं बिकॉज आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो हर कुछ लगा के इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश कर, पर एक ही चीज को देखने के इनफिनाइट परस्पेक्टिव या डायमेंशन हो सकते हैं। तो उस 69 नंबर के सच बहुत ज्यादा है, अच्छा इनफिनाइट सच है बेसिकली। या तो आप किसी भी डायरेक्शन के ऊपर खड़े होकर देखो, वो आपका सच है, पर वो आपके लिए है, बाकियों का सच और हो सकता है। ये है अनेकवाद की थ्योरी। दुनिया में जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो सच है, पर उसके साथ साथ पैरेलल सच होते हैं, और इसी वजह से लड़ाइयां होती है कि हमारा अच्छी सबसे लगता सही है। तो जब मैं उनको उस तरह से समझाने की कोशिश, क्लिक होता है कि चीजों को देखना कैसे है, चीजों को कमल ब्रो, हटाना कैसे वीसा है। साइकिल में फंसने का क्या कारण है एस्पिरेंट्स का? मतलब मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कंटेंट को कंज्यूम करने की, तो जब आप चीजें पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी थकेगा। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हमारे में स्ट्रेंथ 10 किलो की है, हमारे 7 किलो का कोई डंबल रख दिया, हम उसको नहीं उठा पाएंगे। और एक जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन है, इंटरनेट वगैरह सबके पास है, तो क्या हुआ कि 1-1.5-2 लाख वाला कोर्स हम 10-20 हजार में मिल यस, जाता है। एटेक जो भी ठीक स्टार्टअप है। हाँ है, बच्चों को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत सस्ता कोर्स मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि सपना भी उतना ही सस्ता है। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट वीसा साइकिल में फंस चुका है, जो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट या 5वां 5th नंबर ऑफ रनिंग अटेम्प्ट में है, तो वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप कैसे, मतलब एग्जिट प्लान क्या हो उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अल्टरनेटिव पुलिस ऐसे? ऑफिसर, तो उसने तैयारी करने के लिए चंडीगढ़ आना था, तो अब घर वालों को कुछ कहना था, आर्गुमेंट देना था। हम जहां से आते हैं ना, तो वहां पर बहुत बड़े घर है, खाना सिंपल खा लेंगे, बट वी वांट टू लिव इन अ गुड, एट अ गुड प्लेस एंड किंग विद साइज, अस। बस फिर कोचिंग ज्वाइन की, पहला सब्जेक्ट इकोनॉमी था, इकोनॉमी पूरा किया, और फिर उसके बाद कभी कोचिंग आपने नहीं की। फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया 2016 में वैसे मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया था जब मैं कॉलेज से विदाउट जैसे निकला प्रीवियस। था। हाँ, पर तो उस साल काफी अच्छे नंबर आए थे, 114 प्रीलिम्स में आए थे, पर कट ऑफ उस साल 116 थी। 2016 में, तो 105.66 कट ऑफ थी, मेरे 106 ही आए थे, तो 0.33 से मेरा प्रीलिम्स आपने क्लियर। 2017 का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था, राइट? हाँ, ये गलत मिसकंसेप्शन है कि थोड़ी बहुत तैयारी से पेपर निकलता है। अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको ये लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो अगर बाकियों को 12 महीने लग रहे हैं, आपको 10 लग जाएंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आपको 6 महीने में आपका हो जाए फर्स्ट एंड। बेसिकली जो कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर रोज उठेंगे पढ़ेंगे, 7 से 4 3 4 घंटे लगते थे इनिशियली। वो 2 साल मेरे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल थे, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की कि हर सब्जेक्ट को समझा, तभी आज कंसेप्ट आते हैं, तभी आज मैं हिस्ट्री ढंग से पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट समझ में आते हैं। हर रोज 6 से 7 घंटे तो हैं मिनिमम करना है। मिनिमम करना, वो बढ़ के किसी दिन 8 हो जाएंगे, किसी दिन 9 हो जाएंगे। नोट्स जरूरी है, अच्छा और जी, मेरे को पता है वो, क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल से थे, हमारा कॉन्वेंट स्कूल था और हमारे स्कूल। फ्रीक्वेंसी का भी मैच कर देता है। हाँ, बहुत यूपीएससी ज्यादा। जर्नी में आपने, आपको फर्स्ट मेल फ्रेंड कौन था? रूममेट था। वही कोचिंग आया कितना था। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी यूपीएससी में? एस्पिरेंट को प्रीलिम्स, एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मेंस के प्रीलिम्स लिए कितने टेस्ट चाहिए, और ओआरएन आना कितना जरूरी है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन यूपीएससी जिसको आप बहुत यूट्यूब यूट्यूब पे पर क्या सर्च करना पसंद करते हो, गूगल पे आप क्या सर्च कल करना ब्रो मुझे मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम करता है? आपने कभी कभी लाइफ सर्च में किया? डेटिंग ऐप यूज किया? 3 नॉन फिक्शन बुक्स हमारे ऑडियंस के लिए हाँ, बताना बहुत चाहिए। छोटी चीज है, इंसान कुछ भी नहीं होता, वो इस तरह का व्हाट यू राइट। लव डूइंग इन फ्री टाइम मीन्स एज ए हॉबी? 3 फ्रेंड्स को बुलाना चाहे हाउस पार्टी के लिए अपने घर में, मतलब पार्टी करने, तो 3 फ्रेंड्स कौन होंगे आपके लाइफ में जो अरेंज अभी मैरिज करना चाहोगे कि लव ये मैरिज, जो तो मैरिज का है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, और उनको कब, एट वॉट एज उनको मैरिज कर लेना चाहिए आपके हिसाब से, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन करना हे चाहिए? गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट? पापा सॉरी? यस पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन इज डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट। सो गाइस, टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट हुज नेम इज कवलजोत सिंह बवेजा। सो गाइस, आज का जो इंटरव्यू है ना, काफी खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि गाइस इसमें हम लोग दो पर्सपेक्टिव कवर करने वाले हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट का पर्सपेक्टिव एंड यूपीएससी फैकल्टी का पर्सपेक्टिव ऑन यूपीएससी जर्नी, राइट? तो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट कवल ब्रो, वेलकम पापा सॉरी। शुक्रिया जी, ठीक कैसे हो ब्रो? चल रहा है, कैसे? मैं भी बढ़िया ब्रो। तो गाइस, आज का इंटरव्यू काफी कैजुअल और अनफिल्टर टाइप होने वाला है ऑन पापा सॉरी, और इनके एक्सपीरियंसेस जो भी है यूपीएससी को लेके,
बीपीएससी जर्नी को लेके वो इस हम लोग इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। तो कमल ब्रो, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपका बीपीएससी का जो जर्नी है ना, बीपीएससी का जर्नी का जो फर्स्ट थॉट बीपीएससी के बारे में आपको कब आया था, मतलब और कौन से साल में आया था? मतलब कि मेरा ख्याल कभी भी नहीं था दैट आई वाज नेवर इन टू दिस डायरेक्शन दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब मैं कॉलेज टाइम में ढंग का बच्चा नहीं था कि मैं बहुत पढ़ता नहीं अच्छा, था, जैसे एडमिशन भी डोनेशन से ही हुआ था। अच्छा सो पहले 2 साल कॉलेज के ठीक है निकल रहे हैं, दूसरे साल में सपने अभी तो सब कुछ था, तो मन में ये था दैट देर इज अ फाइनेंशियल बैकिंग इन द होम, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा कभी ध्यान ही नहीं दिया स्कूल में कॉलेज में, बट आई आई वाज अ ब्राइट चाइल्ड कि अगर इन मैं चाइल्ड और नहीं शुरू हमेशा हमेशा से हमेशा से कि अगर मैं पढ़ूंगा सो आई विल स्कोर, पढ़ाई नहीं कभी तो अलग बात है कि नंबर नहीं है। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था आपके पास। हाँ तो फेल हो गया तो 2 सपने आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि लगा कि कुछ करना चाहिए, और ऊपर से क्या हुआ कि घर पे कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे शोरूम्स थे तो फादर साहब ने कहा कि नाउ इट इज द टाइम कि तुम सब खुद करोगी, दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद द मनी इन केस यू वांट टू स्टडी एंड ऑल, पर खुद से करना पड़ेगा कि कब तक रिलाय करते रहोगे घर के रिसोर्सेज के ऊपर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लर्न दैट कि अब कुछ करना है, तो लकीली 4 सेमेस्टर में 2 सप्ली थी, तो 5th सेमेस्टर में सारी क्लास के सामने कहा कि अगला साल सेमेस्टर टॉप मैं करूंगा। नहीं, जैसे आप इंजीनियरिंग में, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से जी किया आपने, लंडन राइट? तो आप इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में, 2 सप्ली थी। आपकी दो पेपर में आप हाँ मतलब या सब की आ हाँ गई थी, पेपर राइट? पास है। सो बस फिर वो घर पे हुआ वो सारा कुछ, तो कहा सबको कि मैं करूंगा टॉप इस बार डिपार्टमेंट की कंप्यूटर साइंस मैं ही लेके जाऊंगा, अच्छा, तो वो कहा तो कर दिया वो कि टॉप कर दिया फिफ्थ सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, तो बहुत इज्जत मिली कि नेक्स्ट लेवल इज्जत की सब देख रहे हैं कि इसने कर दिया, कि उस टाइम पे कॉलेज में बड़ी बात मानी जाती है कि इन केस यू टॉप द डिपार्टमेंट, और कह के कर दो वो और बड़ी बात है कि तो साथ आपने ये किसको कहा था, मतलब कि साथ के सारे दोस्तों को अपने दोस्त के क्लासमेट्स को हाँ कहा था? मैं करूंगा अच्छा अब अगली बार। तो पहले तो सबने कहा कि मजाक है कि अभी तक नहीं पढ़े थे तो एकदम से कैसे पढ़ लेंगे, तो पर कर दिया। बेसिकली क्या है पीटीयू का वो कॉलेज है, वहां पर आपको बहुत कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ढंग के आंसर लिख के आने हैं, जस्ट बेस्ड अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स दे विल रिवॉर्ड यू मार्क्स। तो मेरे को सब्जेक्ट वाइज कंटेंट वाइज नॉलेज कुछ नहीं थी, बट आई न्यू कि लिखना क्या है इन टर्म्स ऑफ कि प्रेजेंटेशन ढंग के कैसे होगी, इसमें डायग्राम्स किस तरह के अगर मैं बनाऊंगा। मेरे को आंसर राइटिंग आती थी बचपन से, आंसर राइटिंग मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें रही है, दैट आई कैन आर्टिकुलेट माई व्यू पॉइंट्स बहुत आसानी से वेरी क्लियरली आप। वेरी क्लियरली, तो उस वजह से वो हो गया, क्योंकि जो भी बच्चे पीटीयू को जानते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि आंसर लिख के आना होता है, शीट्स भरनी है ढंग से, वो उनको बस ये दिखना चाहिए कि बहुत ढंग से पेपर अटेम्प्टेड है, वो पढ़ेंगे ही नहीं अंदर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे इंडिया में इतना नहीं है, यस यू तभी राइट, तो ढंग के इंजीनियर नहीं निकल रहे हैं, आई एम अ एग्जाम्पल ऑफ इट। या तो 5th सेमेस्टर में वो सारा कुछ हुआ, सो आई गेन द कॉन्फिडेंस कि करना है अब कुछ, पर ये नहीं पता था कि क्या करना। तो मैंने बहुत कोशिश की कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करने की, जितनी भी पॉसिबल चीजें हो सकती थी कि मैं कर सकता हूँ, सो आई ट्राइड ऑल ऑफ इट, हर एक की कोचिंग दी, पर मेरे दिमाग में नहीं वो पड़ता था कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। तो समझ में आ गया कि नहीं करना है, मास प्लेसमेंट हुई, तो मास प्लेसमेंट कंपनीज में एप्टीट्यूड के दम के ऊपर तो हो जाता है, बिल्कुल इन केस यू आर स्मार्ट इनफ, इन केस यू आर लॉजिकल इनफ, तो आप उस तक जगह तक पहुंच जाओगे, आप में उतना दिमाग होना चाहिए। तो वहां पर हुआ, तो अब घर वालों को ठीक था, अच्छा था कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो बेंगलोर जाना था। नहीं, आपने आपका जो फाइनल ईयर है हाँ ये इंजीनियरिंग का, वो हाँ प्लेसमेंट, उसमें प्लेसमेंट है, उसमें प्लेसमेंट आपको तीन मिला कंपनीज में प्लेसमेंट थी, तो उनमें से एक चूज करके बेंगलोर जाना था। सो कहीं कहीं? आज भी विच ईयर पास्ट आउट? आई पास इन 2016, 2016, राइट? हाँ 2016 में। पर क्या हुआ था कि लास्ट सेमेस्टर हमारा उसका होता है, तो 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो गई, या और लास्ट सेमेस्टर ट्रेनिंग का होता है, जहां पर भी आप जा रहे हो या फिर आप खुद से करोगे, और मेरे को पता था ये मेरे को मैंने नहीं करना, ये कंप्यूटर साइंस वाली इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं करूंगा अच्छा, आप वेरी अबाउट दैट क्लियर थिंग। थिंग। अच्छा हाँ मेरे को वो समझ ही नहीं आती, मैं सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के करूंगा क्या, अच्छा मनी पैसे का उस टाइम के ऊपर ना डर नहीं था। एक मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये नहीं है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्फिडेंस इतना डिसीजन ले लिया, अच्छा जी सर,
मेरे को पता था कि मेरे पास मौका है कि मैं अभी कुछ साल जीवन में कुछ भी करूं, सो देयर आर पेरेंट्स एट माय बैक, ओके तो मैं कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता अच्छा फर्स्ट ऑफ अच्छा ऑल. सो देयर हमेशा ये मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बैठ के जो बंदा बोलता है ना, और जो सामने पहुंचता है, वो आधी इंफॉर्मेशन ही होती है हमेशा, क्योंकि उस इंसान ने जब वो चीजें की, उसके आसपास बहुत चीजें और हो रही होती हैं, विच विल हैव इन्फ्लुएंस द डिसीजन जो उस टाइम पे मैंने लिया. तो वही बता रहा हूँ कि मेरी बैकिंग थी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ठीक था सारा कुछ, तो उस वजह से आगे प्रोसीड करा. तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस LKG और UKG, वाह आज भी वो मेरा दोस्त है. तो वेरी वो गुड उसने तैयारी करने आना था चंडीगढ़, वहां से सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो मेरे को पता लगा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे को पता है कि क्या कर रहा है. तो अच्छा, आप बैचमेट ही थे, मतलब क्लासमेट ही थे मतलब जो आपने, कॉलेज में नहीं थे, 12th तक थे, पर हर हफ्ते मिलते थे हम कॉलेज में भी, उसका कॉलेज अलग था. अच्छा, तो वो बहुत स्टूडियस था, ही वॉज वेरी शार्प, वेरी ब्राइट सिंस द चाइल्डहुड डेज. आज के टाइम में वो PCS ऑफिसर, तो उसने तैयारी करने के लिए चंडीगढ़ आना था. तो अब घर वालों को कुछ कहना था, आर्गुमेंट देना था, दैट आई व्हाई आई डू नॉट वांट टू गो ऑन. तो जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड था, हाँ आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो PCS ऑफिसर था। नहीं, वो तैयारी करने के लिए आ रहा था, वो भी उस टाइम में अच्छा, पास्ड आउट, आज के टाइम में वो वो. चंडीगढ़ से ओवर एंड या नहीं, दिल्ली हमने चंडीगढ़ से ही तैयारी किया, वी हैव नेवर बीन टू दिल्ली. दिस कर। वाज अ क्लियर डिसीजन ऑन आवर पार्ट्स कि हम दिल्ली तो नहीं जाएंगे. अच्छा, मतलब हम जहां से आते हैं ना, तो वहां पर बहुत बड़े घर है, हाँ हमारे को इतना आदत नहीं है एक छोटे छोटे से. छोटे कर नहीं लो। नहीं हम तो जब हमने अगेन बैकग्राउंड कि आपकी लाइकिंग्स की आप किस तरह से, हम खाना सिंपल खा लेंगे, बट वी वॉन्ट टू लिव इन अ गुड, एट अ गुड प्लेस इन रिटर्न. किंग साइज नहीं टाइप। नहीं कई साइज मेरे कमरे में ही रहे हम, मतलब अच्छा जब, तो फिर हम चंडीगढ़ आ गए, तो शुरू कर दी, तो कमरा ले लिया, एक PG में तो कमरा ले चंडीगढ़ लिया. आपका होम टाउन है? नहीं, मेरा होम टाउन है खन्ना, इट इज अ वेरी स्मॉल सिटी नियर लुधियाना. ओके तो वहां से, तो 10th तक वहां से, 10th के बाद 2 साल पटियाला IIT JEE पर पढ़ा ही नहीं, वहां पर भी रहता था हॉस्टल में, अच्छा, IIT JEE भी दिया आपने? दिया दिया उसमें तो बहुत पीछे रैंक आया था, तभी तो डोनेशन देनी पड़ी ना अच्छे कॉलेज से आने के लिए. कॉलेज इंजीनियरिंग के हाँ, लिए नहीं तभी तभी तो। तो डोनेशन दी, पढ़े ही नहीं तो हुआ ही नहीं कभी. पर आई वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, की केमिस्ट्री मेरी बहुत ज्यादा औसम थी, अच्छे से स्पेशली ऑर्गेनिक, बच्चे उससे डरते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ये पता था कि दिमाग चलता है, इतना मेरे को खुद में वो था कि दिमाग चलेगा. तो तैयारी करने के लिए PG वगैरह लिया, क्लास पहला सब्जेक्ट शुरू हुआ था इकोनॉमी. चंडीगढ़ में आप अपने बेस्ट के साथ, बेस्ट फ्रेंड जो आप बता, उन्हीं के साथ आप हाँ, कोचिंग कोचिंग ज्वाइन की? ज्वाइन कर ली चंडीगढ़ में, दिल्ली अच्छा, नहीं आना था, वो क्लैरिटी थी. तो बस फिर कोचिंग ज्वाइन की, पहला सब्जेक्ट इकोनॉमी था, इकोनॉमी पूरा किया, और फिर उसके बाद कभी कोचिंग नहीं गया. आपने सिर्फ इकोनॉमी का ही कोचिंग लिया नहीं, यूके? लिया पूरे बैच का था, उस टाइम पे तो ऑफलाइन ही चलते थे, हाँ, तो लिया पूरे बैच के ही था. इकोनॉमी करके समझ में आ गया कि करना कैसे, क्योंकि पहले पता ही नहीं था क्या करना होता है इसमें. इकोनॉमी अच्छा, करके थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, और इकोनॉमी क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ में आता है इकोनॉमी. इकोनॉमी आज भी मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, रादर मोर स्ट्रॉन्ग देन हिस्ट्री. ओके तो इकोनॉमी में नंबर बहुत ज्यादा, जैसे GS3 में 135 आए थे. हाँ, आपके मेंस में। अच्छा, तो इकोनॉमी तो बहुत औसम सब्जेक्ट है, इकोनॉमी तो हर एक इंसान को आनी चाहिए. तो वहां से जर्नी शुरू हुई तो 2016 आपने से. तो कोचिंग कितने महीने किया था अंदर ज्वाइन किया? कोचिंग तो, मतलब कोचिंग का वैसे ड्यूरेशन पूरा साल सवा साल का था, एंड वहां पर उस कोचिंग में क्या था कि इट वाज अ वेरी गुड कोचिंग, नो डाउट दैट इट वाज अ वेरी गुड कोचिंग विद गुड टीचर्स, जिनको अपना सब्जेक्ट आता है. ऐसा नहीं है जैसे आजकल होते कि कोई टीचर है पर उनको अपना सब्जेक्ट आता था, देवर गुड गाइड, गुड मेंटर्स. पर वही है कि उस इंस्टीट्यूट में जब हमने उस साल पेपर दिया, तो 500-600 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों का प्रीलिम्स हुआ था, मेरा और मेरे दोस्त का जो पास हुआ. वाह, सही तो था। फिर अगेन कॉन्फिडेंस आया कि, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया था, जब हमने ढंग से तैयारी कर ली अच्छे से थी. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया? 2016 में वैसे मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया था जब मैं कॉलेज अच्छा, से विदाउट जस्ट निकला था. प्रिपरेशन? हाँ, पर प्रिपरेशन ऐसी थी कि 6-7 महीने की थी प्रिपरेशन, 6-7 महीना किया था उसमें, जितना समझ में आ गया वो करा. तो साल काफी अच्छे नंबर आए थे, 114 प्रीलिम्स में आए थे, पर कट ऑफ उस साल 116 थी. या हाँ, 2016 में? या, 2016 में, यू आर तो कट राइट। ऑफ बहुत ज्यादा थी, तो नहीं हुआ. पर उस टाइम पे इतने नंबर से तो लग रहा था कि होगा, तो काफी वो था. अब
आपके मान आसपास मान लो 600-700 बंदे हो और किसी का नहीं हो रहा, आपका हो रहा है, तो आपको इज्जत मिलती है कि बिल्कुल मिलती है, सही बात आप ले कर दिया प्रीलिम्स, नहीं हुआ लास्ट में वो अलग बात है, पर खबर फैल जाती है कि इसका हो रहा है, तो बाद में नहीं हुआ, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप ढंग से बात काम करेंगे, 2-2 सितारा का दिया तो 105.66 कट ऑफ थी, मेरे 106 ही आए थे, तो क्या। 0.33 से मेरा प्रीलिम्स आपने क्लियर, 2017 का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था। ओके ओके तो 2017 का क्लियर। अब बहुत मतलब कि सच में बहुत मेहनत करी है तैयारी में, ऐसा नहीं है कि वो अगर मैं सिर्फ ब्राइट था तो वो क्लियर हो गया। तो मैं पापा सर भी ये बताना चाहूँगा गाइस कि अब हम लोग एक कवल ब्रो से ये पूछेंगे कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ब्रो ने मतलब कितना मेहनत किया टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन सेकंड अटेम्प्ट, राइट, इन 2017 में दिया था इन्होंने। तो ब्रो अब मुझे ये बताओ कि जो जिस साल आपका निकला था प्रीलिम्स, उस साल प्रीलिम्स निकला था उस कितना आपने मेहनत किया, कितने घंटे मतलब पढ़े कि थे, वो पहला अटेम्प्ट ही था इन द सेंस दैट, फुल फ्लेज। दूसरा वो उस तरह से, पर ये समझो कि ये तैयारी कम से कम 10 से 12 महीने लेगी अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है। अच्छा ये गलत मिसकंसेप्शन है कि थोड़ी बहुत तैयारी से पेपर निकलता है अच्छा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आपको ये लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो अगर बाकियों को 12 महीने लग रहे हैं, आपको 10 लग जाएंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आपको 6 महीने में आपका हो जाए, अच्छा जो कहा गया वो हमने किया बेसिकली। जो कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है तो न्यूज़पेपर रोज उठेंगे पढ़ेंगे, 7 से 4 3 4 घंटे लगते थे इनिशियली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसके नोट्स बनाओ क्योंकि उस टाइम के ऊपर कोई मंथली मैगजीन कुछ नहीं थी, पर हर दिन वी मेड श्योर दैट कि हम कर रहे हैं वो बिना थके बिना कुछ करें। हाँ हफ्ते की 1 दिन छुट्टी लेंगे, पर 6 दिन न्यूज़पेपर हो रहा है। अगर क्लास जैसे मेरा दोस्त जाता था वो क्लास जा रहा है, मैं कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा हर दिन 6 से 7 घंटे अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर मैं निकालूंगा। फिर जैसे वो सुबह जाता था शाम को आता था, तो जब वो शाम को आएगा वापस कोचिंग से तब मैं अपनी सीट से उठता था। मतलब कि अगर चीजें हुई, अगर चीजें आई, तो आज मेरे को पीछे मुड़ के लगता है कि वो 2 साल मेरे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल थे, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की कि हर सब्जेक्ट को समझा, तभी आज कंसेप्ट आते हैं, तभी आज मैं हिस्ट्री ढंग से पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट समझ में आते हैं। तो ब्रदर आप जैसे 2017 का प्रीलिम्स क्लियर किया था, राइट, और आपने काफ़ी मतलब काफ़ी हार्डवर्क किया था उसके लिए और डेली रूटीन्स आपने फॉलो किया था। हाँ। एवरेज टाइम कितना, मतलब 8 आवर्स या 10 आवर्स नहीं कितना नहीं मतलब कि डिपेंड करता था, पर ये होता था कि हर रोज 6 से 7 घंटे तो है मिनिमम करना है। मिनिमम करना, वो बढ़ के किसी दिन 8 हो जाएंगे, किसी दिन 9 हो जाएंगे, मैक्सिमम मतलब 9 तक ही जाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं किया कभी, कि 8 आप एवरेज मान लो या रादर एवरेज 7 ही मान लो, और हर हफ्ते 7वें दिन छुट्टी लेनी ही लेनी है कि लेकिन ब्रदर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बताया कि मैं मेरे को क्लियर था कि आपने शायद बताया था कि कोचिंग आपने सिर्फ इकोनॉमी का ही लिया था हाँ और बाकी आपने खुद बाकी से जैसे स्टडी कभी स्टडी किया। कभी सब्जेक्ट का मान लीजिए क्लास में जाके बैठ गए, कभी नहीं बैठे, तो उस तरह से कभी इकोनॉमी को छोड़ के कोचिंग नहीं लिया, पर इकोनॉमी का लिया था और उस टीचर ने बहुत बड़ा बेस बनाया, और विच आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। पर उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जैसे नोट्स कभी नहीं बनाया, नोट्स कभी आज तक बनाए ही नहीं अच्छा क्लास में। आपने नोट्स को बनाना प्रेफर नहीं मेरे किया। साथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो मेरे को पता है वो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स अच्छा जरूरी है, अच्छा और अच्छा मेरे को पता है वो, क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल से थे, हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, और हमारे स्कूल फ्रीक्वेंसी का भी मैच कर लेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा कि आज तक अगर मेरी दोस्ती 25 साल से है, 24-25 साल से अभी तक तो है कुछ कि, तो उस वजह से तो मेरे को पता है वो नोट्स बना रहे, तो मैं क्यों बनाऊंगा, तो सुना ढंग से और चीजें पढ़ी, सब कुछ समझा, नोट्स तो उसके हैं ही है, तो उसी के नोट्स पढ़ता था। उसके बाद मंथली मैगजीन आने लग गई, और ये कोशिश करता था कि मान लो जैसे पूरा पढ़ लिया सब्जेक्ट, उसको पहले 2-3 बार पढ़ के उन नोट्स को, फिर खुद से हर एक टॉपिक का जो चीजें मैं भूलता हूँ, क्योंकि 3 रीडिंग्स के बाद ये समझ में आ जाता है कि क्या चीजें आपको आती यही हैं। ब्रदर मैं अभी यहाँ पे यही क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, जैसे आपने बताया कि इकोनॉमी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, राइट, तो आप एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि अगर कोई सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, तो उसके लिए कितने रिविजन्स चाहिए, कितने रिविजन्स चाहिए और आपने कितने किए थे, जो आपने किया था ना वही बता दीजिए, इकोनॉमी के लिए जो आपने किया था, मतलब कि अगर मैं ओवरऑल बात फर्स्ट करूँ रीडिंग तो किया आपने, इकोनॉमी फर्स्ट रीडिंग आपने कोचिंग नोट्स, के नोट हाँ से पढ़ा था। हाँ वो नोट्स बाकमाल थे,
फर्स्ट मैं वही कह रहा हूँ, टीचर बहुत औसम था। वाह टीचर में वो बात थी, उसको यूपीएससी समझ में आती थी और उसको ये समझ में आता था कि इनको ये समझाना कैसे। जब भी हम दायरे से बाहर जाते थे, जैसे बहुत सारे बच्चे ये करते भी हैं कि दायरे से बाहर चले जाएंगे बिल्कुल कि ये, तो वो हमारे को जैसे बोर्ड पे गड्ढा बनाएगा, उसको वो कहता था इसमें छलांग मार दो कि कूद जाओ इसमें, कि अच्छा ये यूपीएससी बहुत बड़ी खाई है कि अगर ऐसे करने लग जाओगे तो कभी भी कर नहीं पाओगे। जैसे आज भी इकोनॉमी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने बहुत कुछ सोचने की कोशिश की ना, बहुत सारे डायमेंशंस, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं अच्छा कि जी ये बढ़ गया तो उस साइड के ऊपर क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल फिजिकल पॉलिसी वाले क्वेश्चन, इन्फ्लेशन बैंक रेट हाँ, वगैरह तो नोट्स हैं और उन नोट्स को बहुत ईमानदारी से पहले 3 से 4 5 बार पढ़ा। अच्छा जब आप पढ़ते हो ना, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो उससे बहुत ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके तो मेरा मेजर लेस होता था कि ढंग से चीजों को पढ़ूं, और मतलब गलती ये नहीं करनी कि पहली बार चीज पढ़ी और उसी के नोट्स बना लिए, कोई फायदा ही नहीं है। आपने पहली बार कोई चीज पढ़ी, अभी तो वो आपको समझ में आनी शुरू हुई है, या अगर नोट्स बनाएंगे तो उसी को उठा के हम सारा कुछ लिख देंगे, तो फायदा ही नहीं हुआ, स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा, हार्ड वर्क हो रहा है बस। तो जब जब हर बार पढ़ता था तो साथ में, जैसे मान लो मैं फिजिकल पॉलिसी पढ़ने बैठा हूँ, मां मेरी ये सेकेंड या थर्ड रिविजन है, तो पहले मैं खुद ब्लैंक पेपर के ऊपर फिजिकल पॉलिसी लिखूंगा और खुद से सोचूंगा, स्क्रिप्ट डाउन करूंगा कि मुझे क्या क्या आता है, याद है बिल्कुल मेरे को आता क्या क्या है, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा मेरे को तो सारे ही लग रहा है कि हाँ कि ठीक है ये फेमिलियर है, पर मेरे को ये याद करना है कि मुझे आता क्या है, मेरे कितने कंसेप्ट क्लैरिटी है। अगर मेरे को लग रहा है वो मेरा टॉपिक क्लियर है, तो मैं एक बार स्किम थ्रू करूंगा कि मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा जो मेरे को याद होना चाहिए था या बहुत जरूरी था, क्योंकि हिस्ट्री में जैसे समझाने की कोशिश करूंगा तो वहां पर भी क्या है कि कुछ चीजें सिर्फ कॉमन सेंस हैं। आप चीज को जब समझ जाते हो तो आधी चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व होंगी। यूपीएससी में कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा कॉमन सेंस सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ टेक्निक्स तक सीमित नहीं है, कॉमन सेंस हर एक सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी अगर आपने समझी है, पॉलिटी के अगर आपने फंडामेंटल्स समझे हैं, राइट समझे हैं, डीपीएसपी समझे हैं, तो अगर आपने ये समझ लिया, आप आधे जो आर्टिकल्स हैं उनको खुद से बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा होगा, समझ लो कॉमन सेंस है ये, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने भी कुछ सोच के लिखा होगा, लॉजिकली लिखा गया है लॉजिकली लिखा है। अब नो डाउट, अब यूपीएससी ऐसी चीजें नहीं कर रहा ना कि वो ये पूछेगा इसको कितने साल की सजा हो जाएगी इस केस के अंदर, ऐसी चीजें नहीं पूछता यूपीएससी। यूपीएससी आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछता है, हमारा फोकस ज्यादा रट्टे मारने के ऊपर होता है। और वो नेचुरली आ जाता है क्योंकि इंडिया का अगर एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हाँ है। वही कि हमारा ये पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम ट्रेन उस तरह से हुए हैं, वी वर ऑलवेज मेंट टू बी एट अ क्लेरिकल पोजीशन, बिकॉज हमारे ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पॉलिसी को पूरा इतने सालों तक डिजाइन किया था, सो वी वर मेंट टू बी एट दैट पोजीशन जहां पर हम बहुत ज्यादा दिमाग ना चलाए। और इस वजह से हिस्ट्री, हिस्ट्री से बच्चे इतना ज्यादा इसलिए डरते हैं ना क्योंकि उनको लगता है ये रट्टा है, रट्टा करना पड़ेगा हिस्ट्री से औसम सब्जेक्ट ही कोई नहीं अगर आपको हिस्ट्री समझ में आती है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं है या कोई बोरिंग चीज नहीं है। अगर भारत गुलाम हुआ तो कुछ गलत किया ना भारत ने, तभी वो गुलाम हो गया। पहले तो गुलाम नहीं थे हाँ गुलाम नहीं थे, अगर यहाँ पर साम्राज्य क्यों बने, क्यों टूटे, उसके पीछे कारण है। ऐसा है ही नहीं कि उठ के कुछ भी हो जाएगा। जब कोई टीचर उसको कनेक्टिविटी के थ्रू ये समझा, बहुत फेमस एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ हाँ एंशियंट हिस्ट्री में अकबर क्या करता था, पत्थरों के ऊपर अपना मैसेज लिखवा रहा है, जिस चीज में वो मानता है वो मैसेज लिखवाता है पत्थरों के ऊपर, क्योंकि उस टाइम के ऊपर और कुछ है ही नहीं, मैसेज सर्वाइव नहीं कर सकता, तो अच्छा पत्थरों के ऊपर लिखवा दिया। अकबर आया मिडिवल हिस्ट्री में, क्या किया, किताबें लिखवाई, क्योंकि पेपर आ चुका है दुनिया में, उसको पता है मैसेज छोड़ के जाना है दुनिया में, मैसेज के थ्रू मैं पहचाना जाऊंगा, तो उसने किताबों के थ्रू एडवर्टीजमेंट की। आज अगर हम आज के राजा की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी, तो वो क्या कर रहे हैं, बिलबोर्ड्स लगाएंगे, अपनी पॉलिसी एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, बिल्कुल तीनों युगों में क्या हो रहा है, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न में हर राजा अपने मैसेज को पहुंच रहा है। अपने ईगो को मतलब क्या अब उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वो आगे प्रमोट करता है, अपने मैसेज को आगे लेके जाता है। तो जब इस तरह से बच्चा देखता है ना कि चीजें लिंक्ड कैसे हैं, कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, या हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, विल रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि हिस्ट्री में इंसान है, इंसान आज भी जैसा आज है, हजारों साल पहले भी ऐसा ही था, बेसिकली
सेल्फ पावर, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे आगे है, तभी तो साम्राज्य गिरते और टूट जाते हैं जब ब्रिटिशर्स आए। क्यों ये सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए? क्योंकि उनको लग रहा था हमारा सेल्फ इंटरेस्ट अभी अलाउ नहीं कर रहा। अगर उनको दिख रहा होता, बेसिकली इंसान समझदार नहीं होते बेसिकली। जैसे हमारे को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, पर आप पैसे बिल्कुल, आप क्लाइमेट चेंज वाले जो एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़े लिखे लोगों को भी आप बिलीव नहीं करते हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज पे होता है अरे क्या आज नहीं। तक लोग ये नहीं मानते कि अर्थ स्फीयर है। बिल्कुल एक सर्टेन पॉपुलेशन ये कहते हैं कि अर्थ लेवल प्लेन है, तो आप उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पर अगेन उनका वो पर्सपेक्टिव है, परस्पेक्टिव या जिस नजरिए से, क्योंकि मैं जो भी बोल या कह पा रहा हूं, मैंने आज तक कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ पढ़ा, उस वजह से मेरा व्यू पॉइंट बना, तो मैं बोल रहा हूं। मतलब ह्यूमन अपने एक्सपीरियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस से ही हाँ, मतलब ओपिनियन बनाता है बिल्कुल। जो एक्सपीरियंस करता है। तो हमेशा मेरे को ये लगता है कि बहुत रेडिकल सी चीज है कि मैं बच्चों को हमेशा क्लास में ये कहता हूँ कि ऑल दो आपको लग रहा होगा मैं आपको इतिहास पढ़ाने आया हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ जो उस टाइम के राजाओं ने लिख दी थी। अच्छा आज मुगल्स हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी में से, आज से अगर मान लो यही ट्रेंड रहा तो 100 साल बाद लोगों को नहीं पता होगा, मुगल बंदे हिस्ट्री को रीराइट किया जा सकता है यस बेसिकली जो भी राजा। और इसमें कोई गलत या सही चीज नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि ये ही होता रहा है, पहले भी यही हुआ पहले है। भी यही होता रहा है। हमारे को लग रही है बहुत बड़ी चीज है, पर जिस इंसान ने हिस्ट्री को समझा है उसके आगे आधी जिंदगी की दुख तकलीफें ऐसी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि दिस हैज बीन अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ओवर द इयर्स। पर क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है, तो युग बदला, सिर्फ ह्यूमन सेम रहे हैं। तो कवर ब्रो मुझे आप ये बताइए कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट है जो इन द बिगनिंग ऑफ प्रिपरेशन में काफी कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि मतलब कौन सा ऑप्शंस लेने हैं और कौन सा मतलब कि मतलब कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है और कोचिंग ज्वाइन करना भी है कि नहीं करना, इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहता है। पहले तो कोचिंग वाला क्लियर कर देता हूँ हाँ एक कोचिंग एक वाला करके। के बेसिकली क्या है रास्ता है यूपीएससी तक जाने का, जो बिल्कुल आपके बहुत सारे सब्जेक्ट से होके गुजरता है, आपके ऑप्शनल से होके गुजरेगा, आपके टेस्ट सीरीज जो मेंस के आप आंसर लिखेंगे उससे होके गुजरेगा। अब वो सब्जेक्ट ना आज के टाइम में बहुत बड़े सब्जेक्ट, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं हर रोज हिस्ट्री ही, तो मैं आज भी मेरे को ऐसा बहुत कुछ नया पता लगता है जो मेरे को नहीं आता था। जब मैं कोई नई किताब पढ़ता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मैं इस तरह से कभी सोच ही नहीं पाया कि मैं बीइंग अ टीचर ऑफ द हिस्ट्री मेरे को ये नहीं आता, जबकि मुझे वो आना चाहिए था। तो अगर बच्चा हर सब्जेक्ट को बहुत ढंग से करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जैसे अभी जो मैंने आपको ये समझाया वो एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के लिंकेजेस तीनों या युगों में, यस कि राजा काम सेम कर रहे, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चा ये नहीं समझ पाएगा बहुत जल्दी जब तक उसने 1 साल के आसपास अकेली हिस्ट्री ना पढ़ ली हो। क्योंकि इस तरह की चीजों को, जैसे ये चीज अभी के लिए किसी बुक में नहीं है, इंटरनेट में नहीं है, ये मेरी खुद की सोच है, क्योंकि मैंने ये सोचा समझा कि कैसे हिस्ट्री लिंक होती है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है कि जहां पर मैं हिस्ट्री को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बच्चा जब खुद से किताब पढ़ने बैठेगा ना, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अच्छा वो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ढंग से पढ़ ले, समझ ले और आगे जाके कर भी ले। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कर सकता, टाइम की कमी है। तो मतलब आप मानते हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट को कोचिंग हेल्प लेनी बेसिक चाहिए। रास्ता है, रास्ता आप खुद भी बना सकते हो, उस रास्ते को खुद बनाने में टाइम बहुत लग जाएगा, और अच्छा इतना टाइम नहीं देना यूपीएससी को। अच्छा बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डू लुक फॉर अ गुड कोचिंग, गुड कोचिंग गुड कोचिंग की बात कर रहा हूँ। गुड कोचिंग क्राइटेरिया बताइए आपके हिसाब से मतलब क्राइटेरिया तो देखो एज सच मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि आप एक कोचिंग को जब ज्वाइन करते हो, आप कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, ओके उसमें अलग अलग तरह के टीचर होंगे, उसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे। आपके हाँ, पास चॉइसेस नहीं है कि कौन से टीचर से पढ़ूंगा। बेसिकली तो हर टीचर का मोटिव अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा हर बच्चा अलग तरह से काम करता है, उसी तरह से हर टीचर भी अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि मेरे को काम करना अपने फ्यूचर के लिए, काम करना अपने करियर, तो उनको पता है कि क्या करना चाहिए। उसी तरह से हर टीचर मोटिवेटेड नहीं होता अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने काम के प्रति, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैज, ये मेरे को अच्छा इस इंडस्ट्री में लगता है। अच्छा ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि
हर टीचर मतलब उसका सीरियसली लेता नहीं नहीं मतलब। नहीं मान लो कि सीरियसली लेते भी हो, अगर पैशन नहीं है ना सब्जेक्ट, एक तो है जैसे आपके पास कुछ नहीं था तो आप टीचर, या फिर आप कुछ भी नहीं था टीचर बन गए, फिर आपने बहुत मेहनत कर ली, या फिर आप टीचर ही बनना चाहते थे, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। एंड उसके बाद भी आप कितना सिंप्लीफाई कर रहे हो अपने सब्जेक्ट को। आप बच्चों, जैसे मेरी क्लास में जब बच्चा आता है तो उसको, वो पहली क्लास में उसका ये मोटिव होता है कि हिस्ट्री बहुत ऑसम सब्जेक्ट नहीं है, ओके बट आई मेक इट अ पॉइंट कि जब वो मेरी क्लास से निकलेगा वो कहेगा कि हिस्ट्री बहुत ऑसम सब्जेक्ट है। इतनी मेरे को हिस्ट्री पहले आनी चाहिए और आने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। कि आज के टाइम में सोशल मीडिया ने बेसिकली, डिजिटल इसने क्या किया कि टीचर्स को एक इन्फ्लुएंसर की तरह बदल दिया। ये तो राइट है, सही बात मैं है। इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, एक टीचर इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता कि जब जब मैं क्लास में जाके खड़ा होता हूँ, आई कैन नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी क्लास, एनी क्रीड, एनी कम्युनिटी, एनी जेंडर, एनी नेशनैलिटी। मैं टीचर नहीं होऊंगा ना फिर। अगर मैं अपना बायस व्यू पॉइंट रख रहा हूं बच्चों के आगे, तो मैं टीचर नहीं हूं। ये बात समझने वाली है कि अब लोग, कुछ लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि क्यों नहीं रख सकते, टीचर का व्यू पॉइंट बहुत जरूरी है, तभी बच्चे फॉलो करेंगे। ऐसे तो बच्चे लीडर्स को भी फॉलो करते हैं, हमारे को पता है लीडर सारी बातें सही नहीं कहते, बच्चे फॉलो कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम में भी कुछ गलतियां होंगी, कमियां होंगी, हम इंसान हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लग जाते हैं। एंड दिस इज वन थिंग विच हैज करप्टेड दिस सिस्टम। तो कवर ब्रो, मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हो कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट कोचिंग ज्वाइन करता है वो ज्वाइन करता है तो फिर उसको सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट ही रहना चाहिए 100%। बिल्कुल भी नहीं, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाना चाहिए कि मुझे ये टीचर हेल्प कर रहा है, ये टीचर हेल्प नहीं कर रहा है। टीचर ऑन एन एवरेज, मान लो अगर आप ढंग की कोचिंग में गए हो, ढंग की या यस जहाँ थोड़ा बहुत, तो वहां पर टीचर आपको ढंग से ही पढ़ाने की कोशिश करेगा। ओके ऐसा नहीं है कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो आप बच्चे जान खा जाएंगे। आज के टाइम में बच्चे बहुत डिमांडिंग है, बच्चा जान खा जाएगा कि ये क्या कर रहा है, तो बच्चा कंप्लेंट करेगा ऑब्वियसली, और यस टीचर के लिए। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, अब इस टाइम पीरियड के ऊपर आके मेरे को समझ में है कि अगर मेरे को, अगर मैं 50% भी पढ़ा दूं जितना मेरे को आता है, तो काम चल जाएगा। बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चे को अभी नहीं अंदाजा ना, या मतलब सिलेबस कवर किया एक टीचर हाँ, ने तो। कितना, कितने उस हर एक टॉपिक को कितना ढंग से पढ़ाया, कितना उसमें टाइम दिया, उसके अलावा कुछ बताया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज, नॉलेज से कभी पेपर नहीं निकलेगा यूपीएससी। यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, कितने ही रट्टे मार लोगे, यस उसको राइट समझना पड़ेगा। तो अगर टीचर उसमें जोर लगा रहा है ना, ये समझाने में कि उसको खुद पैशन है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो बच्चे को पता लग जाता है दैट दिस इज अ गुड टीचर हुम आई कैन फॉलो। और हर टीचर की अपनी स्ट्रेटेजी, हर टीचर का अपना पर्सपेक्टिव है, और वो सही है हर टीचर का। जैसे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो आज भी 20-25 साल की करियर के बाद, मान लो ये समझो कि 6-7 साल में आपको सब्जेक्ट रट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कि 7 साल, 6-7 साल में आपको ओके हो जाएगा कि अगर आज मेरे को कोई कह दे कि यहाँ पर खड़ा होकर लेक्चर देना किसी भी टॉपिक के ऊपर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, मेरे को अपनी बस वो चाहिए स्लाइड, मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा लेक्चर समझा सकता हूँ, अच्छा कि मेरे को जरूरत नहीं है उस चीज की। क्योंकि टीचर शराब की तरह है, जितना पुराना होगा वो उतना अच्छा होगा। पर वाह दिक्कत क्या होती है, एक सर्टेन टाइम के बाद टीचर एरोगेंट हो जाते हैं, इगोस्टिक हो जाते हैं, कि अब तो आ गया, अब अपडेट क्यों करने। अगेन जैसे नेचर का नियम है कि एक इंसान नहीं रह सकता ना हमेशा, तो ऐसे तो एक ही टीचर अगर फेवरेट हो गया तो वही हमेशा रहेगा। एक टाइम के ऊपर आके वो एरोगेंट होगा, वो इगोस्टिक होगा, दिस विल पेव द वे फॉर न्यू पर्सन टू कम इन एंड फिल इन द स्पेस। ये नेचर का नियम है। चेंज जो ओनली परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो मेरे को हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद एक नई किताब पढ़नी ही पड़ेगी, तभी तो मैं अगले बैच में एक अच्छे पर्सपेक्टिव से पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो मैं अगर हर बैच में वही बताता जा रहा हूँ, मैं टाइम के बाद आके इस जॉब को सिर्फ जॉब समझने लग जाऊंगा। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि टीचर का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे हाथ में उनका करियर है। ये बहुत, वही मेरे को दुख है कि ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कि जैसे मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि मेरी क्लास में बैठने से मैं आपको अफसर नहीं बना सकता, कोई कोचिंग आपको अफसर नहीं बना सकती,
इट इज ओनली यू हु कैन मेक योर सेल्फ एन एज ऑफिसर जस्ट बिकॉज कि जब तक आप अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं सुधार करेंगे, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, यूपीएससी नहीं क्लियर हो सकता। मतलब आप मानते हैं कि यूपीएससी में अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है बट डिसिप्लिन। ऑब्वियसली टैलेंट मतलब ये समझो कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पहले ही दो स्टेप आगे हो। ओके मेरे में टैलेंट में ऐसे सेल्फ पोस्ट नहीं कर रहा, मेरे को आंसर लिखने आते थे। मतलब कि जैसे ऐसे में मेरे 151 मार्क्स आए थे, GS3 135 पहला मेंस दिया मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि लोग देख रहे हैं कि क्या ही कर दिया होगा, क्योंकि उस टाइम ऐसे में 151 आना तो आपको लोग ये सोचते थे कि ये भगवान है। Yeah. आपके आसपास जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको पता होगा कि उनमें भी टॉपर गई 120 तक रहते थे। हाँ आपके 135 थे तो एक्सेप्शनल मार्क्स। उन सारी चीजों की वजह से अगर आप में टैलेंट है तो आप थोड़े आगे हो ऑब्वियसली, पर मेहनत को कोई इंसान बीट नहीं कर सकता, ये मेरा पक्का विश्वास है। पर मेहनत सही डायरेक्शन में, कुआं हवा में नहीं लग सकता कभी, सॉरी जो हैंडपंप है या कुआं हवा में पानी नहीं आएगा ना, उसको जमीन में लगाएंगे तभी पानी आएगा। ये तो है डायरेक्शन। और ब्रो विशेष साइकिल में फंसने का क्या कारण है एस्पिरेंट्स का? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ विशेष साइकिल। विशेष साइकिल कब होता है? जब हम किसी चीज ऐसी में घुस जाते हैं जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते या फिर उसके बारे में हमें पता नहीं है। मोस्टली बच्चे करते यही है कि जब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं ना उनको ये पता है कि प्रीलिम्स में क्या चीजें हैं, ना उनको मेंस के बारे में पता है, क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे हमारे को पता होता है कि हम अगर 10th क्लास में है तो इट विल टेक 1 ईयर टू कम्प्लीट दिस 1 ईयर ऑफ क्लास। यूपीएससी में मान लो जैसे मैं ज्यादातर बच्चों को ये कहता हूँ इट विल टेक एटलीस्ट 10 ईयर फॉर यू टू वेरी डिलीजेंटली प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स। या तो उसको लगेगा कि मैं 6 महीने में कर लूंगा, नहीं हो सकता। आपने 10th में ढंग से नहीं पढ़ा, आप 12th या ग्रेजुएशन में ढंग से नहीं पढ़ के आ रहे जितना आप कर सकते थे, आपकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कंटेंट को कंज्यूम करने की। तो जब आप चीजें पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी थकेगा। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हमारे में स्ट्रेंथ 10 किलो की है, हमारे सामने एकदम से 50 किलो का कोई डंबल रख दिया जाए, हम उसको नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह से आपकी लिमिटेड कैपेसिटी कंटेंट या नॉलेज को कंज्यूम करने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे तब वो चीज आपसे डाइजेस्ट हो पाएगी, उतना समझ आ पाएगा। बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं, एक तो उनके पास व्यू पॉइंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कि यूपीएससी है क्या। अगर मान लो कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन है, इंटरनेट वगैरह सबके पास है, तो क्या होगा कि 1-1.5-2 लाख वाला कोर्स अब 10-20 हजार में मिल रहा है। यस एटेक जो भी स्टार्टअप है, हां एटेक। मैं भी उसी में काम करता हूं, आई एम आल्सो वन ऑफ द टीचर्स फ्रॉम एटेक इंडस्ट्री ओनली। ओके ओके उस हिसाब से। पर बच्चों को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत सस्ता कोर्स मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि सपना भी उतना ही सस्ता है। या मान लीजिए जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को मिलता हूँ कि मान लीजिए उन्होंने एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी थी, उसका कोर्स 5-7 हजार का था, ये उनको 10-15 हजार में मिल गया। उनको लगता है कि अगर पढ़ना ही है, मेहनत करनी है, तो मैं एसएससी बैंकिंग को छोड़ के यूपीएससी की कर लेता हूँ, सबसे बड़ा ऑफिसर लग जाऊंगा। पर ये कौन समझाएगा कि वो पेपर ही अलग है। एसएससी बैंकिंग क्लरिकल टाइप के पेपर है, उसमें आपको इतनी ज्यादा इंटरलिंकेजेस नहीं चाहिए, आपको उतना डेप्थ में नहीं, तो वो पेपर हो सकते हैं 5-6 महीने में। yes. आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर आ गए यूपीएससी में, आपको लग रहा है मैं 5-6 महीने में फोड़ दूंगा। एसएससी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में, वहां पर मैं डिमीन नहीं कर रहा, वो भी बहुत बड़े पेपर है खुद में, उनमें ज्यादा कॉम्पिटिशन है बल्कि, क्योंकि वहां पर क्या है हार्डवर्क से आप निकल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो। yes. जहां पर नॉट ओनली हार्डवर्किंग आपको चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको इंटेलेक्ट चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीजों को लिंक या एग्जीक्यूट किस तरह से करना, एंशियंट हिस्ट्री की चीज उठा के किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक कर सकते हो। ये आपको एसएससी या उसमें नहीं पूछेंगे, बैंकिंग में यूपीएससी आपको पूछेगा। तो जैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फाउंडेशन की वजह से लोग विशेष साइकिल में आ जाता है, 6 महीने बाद पहला अटेम्प्ट दे दिया, वो यू आर बाउंड टू फेल इन दैट पेपर। जिसने आपको ये सलाह दी है कि 6-7-8 महीने में पहला अटेम्प्ट दे दो, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप, अब दिक्कत क्या होती है कि बच्चे टॉपर्स की बातें सुन लेते हैं। यस हर टॉपर, में ये नहीं कह रहा वो टॉपर शायद गलत कह रहा हो सकता है टॉपर सही कह रहा हो। जैसे टीना डाबी का बहुत फेमस था कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाला और बहुत ज्यादा मार्क्स लेके गई मेंस में, तो सबको लग रहा है पहले अटेम्प्ट में ही, अरे ये समझो उनका ग्रेजुएशन इसी चीज में है,
जो उनके यहाँ पर मेंस में सब्जेक्ट था उनका ऑप्शनल वही वो पढ़ के आई है पूरे 3 साल, तो ऑब्वियसली उनके पास वो स्कोप है कि वो अपने टाइम को कट आउट कर सकती हैं, वो जल्दी बन सकती हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन ही उस चीजों में नहीं किया या फिर आपने ग्रेजुएशन की भी आप उस टाइम पे पढ़े ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो टीना डावे का तो यही था कल ब्रो, कि वो 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था, मतलब हाँ, कि तो जिस यूपीएससी बच्चे ने परसों। थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो तो अगर एक बाल्टी भर देगी आप उसको एकदम में भरने की कोशिश करो बहुत कम टाइम में, वही तो है ना कि इंडियन सोसाइटी में एक कंपैरिजन वाला जो माइंडसेट है कि मैं वही तो लोग, कह रहा हूँ कि कंपैरिजन भी नहीं है, इंसान या बच्चे रात बच्चे भी नहीं, इंसान भी ढंग से चीजों को समझ ही नहीं पाते कि कुछ चीजों को जितना टाइम चाहिए उतना लगेगा ही लगेगा, आप उसको कट आउट नहीं कर सकते। तो कवल ब्रो मुझे ये बताइए कि कोई अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो और उसको तैयारी करना है तो कितना तैयारी करने के बाद यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए? ऑनेस्ट ओपिनियन है, हाँ ढंग से तैयारी करो, पूरी ढंग से तैयारी करने में लगभग 1 साल लगेगा, पर ओके इतनी तैयारी कर लेना कि आपको चीजें आती हो, समझ आती हो, आपने आंसर राइटिंग भी थोड़ी बहुत कर ली है, आपने अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया है, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप ये ना सोचो कि अब मैं मेंस का देख लेता हूँ, कि आपने 1 साल पूरा प्रीलिम्स कर लिया, आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया, आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, यू आर बाउंड टू फेल इन द मेंस एग्जामिनेशन। आप यूपीएससी की तैयारी को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो नहीं करने हैं, आप अफसर बनने के लिए आए हो, तो आपको पता है जब मेरे को ढंग से तैयारी करने के लिए मेंस को भी साथ में करना है, तो पहले जो मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ उसमें प्री प्लस मेंस कंसेप्चुअल तैयारी करो, रट्टे तो लग ही जाएंगे, बच्चे क्या कर रहे रट्टे मार लेते हैं। जैसे मैं एंशियंट हिस्ट्री को लगभग 3 से 4 हफ्ते देता हूँ सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री को करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री नहीं समझ आई तो मिडिवल नहीं समझ आएगी, मॉडर्न नहीं समझ आएगी, ओके ओके उसको इंटरलिंकेज। करना बहुत ढंग से। अगर बुद्धिज्म दुनिया के अंदर आए, क्यों आए हो? सिर्फ धर्म पढ़ाना तो मेरा काम नहीं है ना, कि उस धर्म की ये किताब यहां 10 रट जाओ तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हो तो इतना ढंग से पढ़ लो कि आपके जीवन में वो काम आ जाएगा। ओके ओके धर्म पढ़ेंगे हम एंशियंट पूरी हिस्ट्री के अंदर, वैदिक पूरा टाइम पीरियड पढ़ते हैं, उससे कैसे हिंदुइज्म निकलता है, बुद्धिज्म जैनिज्म, अब जो भी चीज दुनिया में हुई है उसका एक कारण होगा। तो कवल पर मुझे आप ये बताइए कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो आप तो कह रहे हो कि विशेष साइकिल में वो गलत अप्रोच की वजह से ही फंस जाता है, लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट विशेष साइकिल में फंस चुका है, जो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट या 5वां 5th नंबर ऑफ रनिंग अटेम्प्ट में है, तो वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप कैसे, मतलब एग्जिट प्लान क्या हो उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अल्टरनेटिव एज ए अल्टरनेटिव कि मतलब मतलब। मान लो जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में है, हाँ तो अगर वो उन्होंने पहले चीजें ढंग से पढ़ी हैं हाँ तो एक तो यही जो हमारी फील्ड है कि आप इसमें एंट्री कर सकते हो, अगर आपको कंटेंट आता है, अगर आपको नॉलेज है, तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, मिलेगा लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सीधा जाके टीचर बन जाएंगे। आप सीधा जाके कैसे बन जाओगे? एक प्रोसेस है ना हर चीज का, कि जब मैंने शुरू किया था मैं आंसर चेकर था, अच्छा, आंसर चेक किए 1 साल, आंसर चेक ही किए हैं, आंसर आंसर लिखने आते थे आंसर ही चेक किए तो थे, आपने आंसर हिस्ट्री का चेक किया था नहीं कि? सारे आंसर लिखने के क्या आते थे, वही है ना कि मैं अगर ढंग से पढ़ा था तो मेरे को जब आंसर चेकिंग दी गई तो मैंने उसमें आउटस्मार्ट कर दिया बाकी जो मेरे साथ के आंसर चेकर थे, क्योंकि मेरे को मेरा सब्जेक्ट आता है, ओके ओके मेरे को बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं, जब तक मेरे को वही नहीं आता होगा मैं सिर्फ मॉडल आंसर को देख के आंसर चेक कर दूंगा तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट कि बहुत बड़ा बनना है, जस्ट थिंक अबाउट मैं अच्छा बनना बनूंगे, अच्छा अच्छा बनोगे किसी भी चीज में जाओगे, और अगर आपने यूपीएससी में 3 4 साल लगाए हैं और पढ़ा भी है उसके साथ, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे का सोच सकते हो। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप कुछ तो एक्सेल करोगे ही बाकी बंदों के मुकाबले, नो डाउट एंट्री मुश्किल होगी, लोअर लेवल के ऊपर ही होगी, पर सीधा तो कुछ भी नहीं मिलता जीवन में। तो मतलब करना पड़ेगा स्टार्ट। हाँ, या तो आप इसी हमारी इंडस्ट्री में आओ, इसमें लोअर लेवल के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन है ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या और अगर आप ये सोच समझ रहे हो कि क्यों है क्वेश्चन करना एकदम ठीक है, ये हर इंडस्ट्री में होता है, लोअर लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन होगी होगी अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है। जैसे जैसे आप अपना स्किल सेट बढ़ाते रहोगे लोग अपने आप आपको इज्जत देने लग जाएंगे। लोग आपको इज्जत क्यों देते हैं? आप में कुछ खास होगा तभी वो आपको इज्जत देते हैं, ये सो ट्रू वेल्थ। फाइंड दैट योर गुड थिंग इन यू। तो अगर जिस दिन वो मिल गया काम के हिसाब से, तो आप उसी काम में आगे बढ़ जाओगे, जैसे मैं भी तो बढ़ा था।
हम तो जो आपका जो ट्रांजिशनल गाइस ऑन पापा सॉरी ब्रदर का ट्रांजिशनल जर्नी अभी कवर करेंगे। ट्रांजिशनल जर्नी ये रहेगा कि इनका फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट टू बीइंग ए यूपीएससी फैकल्टी, राइट। तो ब्रदर आपने कैसे मतलब यूपीएससी फैकल्टी वाला जो जर्नी है आपका वो मतलब आपको कैसे मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये वाला एज ए कैरियर परस्यू करना? इट वॉज नेवर गाइडेड डिसीजन कि यही करना है। तो जब पहला अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया था। ऑप्शनल तैयार करके नहीं गया था, एग्जैक्टली किसने बताया ही नहीं था कि हाँ ऑप्शनल बहुत ढंग से तैयार करना है। मेरे को अच्छा लगा ऐसे ही हो जाता होगा, अगेन गाइडेंस नहीं थी, मैं भी समझदार नहीं था। हाँ जितना जीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ के गया था उतनी ही हिस्ट्री से ऑप्शनल का पेपर दे आया था, तो उसमें 220 मार्क्स आ गए थे, ओके थ्री ओके एट 08 806 आए थे। तो उस साल फिर बस नया एक एटेक में इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा था, तो वो मेरे टीचर्स थे और वो बहुत ढंग के टीचर्स थे। हाँ मतलब आजकल के ऐसे नहीं थे, बहुत ढंग के टीचर्स थे। उनकी वजह से आगे जा पाया, तो उन्होंने शुरू करना था, उनके साथ काम करने लग गया। आंसर चेकिंग का काम मिला क्योंकि वो कर सकता था, मेंस दे के आए हूँ, बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, तो आई एम एलिजिबल इनफ दैट आई कैन डू दिस थिंग। यस एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट माहौल बहुत अच्छा था उनका, मतलब कि घर जैसा फील होता था टू बी वेरी ओके ऑनेस्ट, ओके कि ठीक है घर ही है, कि यहाँ पर बैठे रहो। वहां पर टीकी टेबल था, खेलते रहो, जब टाइम मिले आंसर चेक कर दो। तो आप ये जो आंसर चेकिंग वाला जॉब जो ज्वाइन किया तो आप कहाँ चंडीगढ़ में ही थे? हाँ चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़, 5 साल पहले चंडीगढ़ ही का, ओके 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 तो वहां से शुरू हुआ। मेन आंसर मतलब आंसर चेक करने लगा, फिर धीरे धीरे करके क्योंकि काम आता था आंसर लिखने आते थे, तो मेन आंसर राइटिंग एड बन गया। अब उसमें काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। उस टाइम पे मैंने सबसे पहली बार डेली आंसर राइटिंग लॉन्च की थी। उस टाइम पे कोई नहीं करता था डेली आंसर राइटिंग। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, हाँ लाइव आंसर समझाऊंगा 1 घंटे के लिए, अच्छा हर चीज को समझाऊंगा कि इसको सोचना कैसे है, लिखने आ कैसे, इंट्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, बॉडी क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब सिर्फ मॉडल आंसर कंटेंट नहीं डिस्कस कर रहा था, हर चीज डिस्कस कर रहा था मैं। तो उससे थोड़ा और नाम बना, एंड देन देर वॉज अपॉर्चुनिटी कि करता रहा, तो अपॉर्चुनिटी खुद से है कि हिस्ट्री अजय की वैकेंसी है, हिस्ट्री अच्छा फैकल्टी ओके की, ओके तो मेरे को आपने तो मौका ही चाहिए था, तो मैं क्या आप ओके रेडी थे मतलब हाँ हिस्ट्री आती है तो हिस्ट्री तो करवाएंगे। पर जब जो उस टाइम पे लगता था ना हिस्ट्री आती है, नहीं आती थी। अच्छा हर साल मेरे को ये लगता है कि इस साल मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया इस साल, क्योंकि हर साल बच्चे खुश होते हैं कि इस साल तो मैं अच्छा कर गया। पर जब हर साल पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो साल बहुत खराब लगता है। क्यों? हर साल बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है नॉलेज के अंदर, जब नई आप किताबें पढ़ लेते हो। तभी मैंने कहा कि टीचर शराब की तरह है, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। बट देर इज ओनली वन कैच कि आप एरोगेंट या इगोस्टिक ना हो जाओ, कि आप यूपीएससी को मत भूल जाओ, क्योंकि जब टीचर बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो बच्चों के हिसाब से सोचना कम कर देता है। उसको लगता है मेरा नाम बन गया, मेरे पास तो बच्चे पढ़ने आएंगे ही आएंगे। यस 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 पर जब आपने वो सोच लिया, आप एक इगोस्टिक एरोगेंट हुए, तो आप रेस से बाहर होने लग जाओगे, चाहे आप उसको रियलाइज भी ना करो। ओके ओके योर हिस्ट्री इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। आप हिस्ट्री कोई ऐसे ही पढ़ाने लग गए जो यूपीएससी में रेलेवेंट नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? यस जैसे मैं करवाता हूँ कई बार कि हिस्ट्री के कुछ सेक्शन में से कि जीवन में इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कि हिस्ट्री हमारे को सिखा क्या रही है, कि ये सीख जाओ तो जीवन सही हो जाएगा। तो हर बार की मान लो साम्राज्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, एम्पायर्स बनते हैं, गिर जाते हैं, क्यों हो रहा है ये? तो उस तरह से जब कोई टीचर समझाता है ना, तो बच्चे को लगता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं जीवन के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कमल ब्रो मुझे आप ये बताइए कि पापा सॉरी पे कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट को जो ऑप्शनल चूज करता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन फेज उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए कि मतलब कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहिए कि वैसा मतलब मेरे को कि लगता है इसका ना बहुत ऑब्जेक्टिव सा चीज है। हाँ अगर तो आपके पास जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है, अगर आप वही ले सकते हो तो वही लो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। पर हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में ही वो सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा। यस यू आर राइट अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो बहुत मुश्किल है इनको समझना। अगर आपको ये समझ में आ गए, तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये आपको नहीं आते, आप जैसे बेसिकली स्कूल में क्या होता था, अगर उस मैथ के क्वेश्चन में नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें इंग्लिश नहीं है ना कि कुछ, या हिस्ट्री नहीं है, कुछ लिख दिया तो थोड़े से नंबर आ गए। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल ऑप्शनल लेना चाहते हो, बी वेरी श्योर दैट यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू हैव अ पैशन फॉर दैट सब्जेक्ट। सिर्फ इसलिए नहीं है ना कि मैंने बीएससी केमिस्ट्री में की थी तो मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है यूपीएससी तो की। एस्पिरेंट कैसे फाइंड आउट करेगा कि मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट है मतलब अगर जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर एस्पिरेंट को, अगर उसने अपने ग्रेजुएशन पे ला लेना, खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है या नहीं।
उसको पता होगा मुझे ये सब्जेक्ट आता है नहीं, अगर मान लो उसको आता है देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, और या फिर जो बाकी बच्चे भी, तो आपने मान लीजिए एक ऑप्शन को चूज किया कि मैं ये शायद ले सकता हूँ, तो एटलीस्ट पहले उसका सिलेबस खोल के देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, और ये देखो कि क्या आप उसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि जो पूछा गया है, उसके एक दो चैप्टर पढ़ो। इस तरह से गलती नहीं करनी कि ऑप्शन लेना था तो कोई भी ले लिया, एक साल पढ़ लिया फिर लग रहा है, या फिर एक अटेम्प्ट देने के बाद लग रहा है गलत ऑप्शन चूज हो गया, उसी टाइम के ऊपर एक दो हफ्ते एक्स्ट्रा लगा लो, बहुत अच्छा होगा। और जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे, मान लो ज्यादातर बच्चे मान लो एंथ्रोपोलॉजी, PSI या सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट चूज करते हैं जिनकी कोचिंग रेडली अवेलेबल है, जिनके नोट्स रेडली अवेलेबल हो, आपके पास एक गाइडेंस हो, मेंटर हो, तो जो भी आपको, आप पहले दो तीन सब्जेक्ट्स नैरो डाउन कर लो, उसका सिलेबस देखो, उसका हर चीज देखो, और उससे फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लाओ कि मैं कौन सा लूंगा। ये नहीं करना कि टॉपर ये बन गया था तो मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ, इससे ज्यादातर बच्चे निकलते हैं। आपको हो सकता है सोशोलॉजी दिखनी ना आए, हो सकता है आपका दिमाग PSIR में चलता हो, सकता है आपका बेंट एंथ्रोपोलॉजी का हो, पर आपने इसलिए PSIR ले लिया क्योंकि सब ले रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स आप फिर गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हो अपने लिए। आप वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड के ऊपर आके ना, जब आप UPSC की तैयारी करते हो, तो ये मान के चलो दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग आपको खुद करनी है। तो गाइस ऑन पापा सॉरी ब्रदर का काफी रिच एक्सपीरियंसेस है हिस्ट्री ऑप्शनल्स में, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ लर्निंग्स निकालने की कोशिश करेंगे गाइस। जो ब्रदर का पर्सपेक्टिव रहेगा काफी यूनिक पर्सपेक्टिव है इनका लाइफ को लेके, तो वही अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कवल ब्रो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैनिज्म का जो अनेकतावाद करके, तो उस फिलोसफी पे आपका काफी यूनिक पर्सपेक्टिव है, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो क्या मतलब अनेकतावाद मतलब कैसे रियल लाइफ में यूज किया जा सकता है इसको, मतलब समझने के लिए वर्ल्ड को। तो जैसे जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर शायदवाद, अनेकतावाद, ये सारे हैं वहां हाँ पर, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे अनेकतावाद को यही समझ के चले जाएंगे कि अनेकतावाद है कि बहुत सारे व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो इसलिए मैं बच्चों को इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे 69 ड्रॉ करता हूँ, 69 को अगर आप ऊपर से देखें नीचे से देखें तो हाँ सेम दिखता है, ओके उस तरह के नंबर है वो, ऊपर से भी और नीचे से भी, नॉर्थ और साउथ से सेम दिखेगा, वेस्ट और ईस्ट से वो एक तरह से सेम दिखता है। हाँ तो ऊपर और नीचे के लोगों को लगेगा हमारा व्यू पॉइंट सही है, हाँ और ईस्ट और वेस्ट वाले लोगों को लगेगा हमारा व्यू पॉइंट सही है, ओके क्योंकि वो उस तरह से उस चीज को देख रहे हैं। पर एक ही चीज को देखने के इनफिनाइट परस्पेक्टिव या डायमेंशन हो सकते हैं, तो उस 69 नंबर के सच बहुत ज्यादा है, अच्छा इनफिनाइट सच है बेसिकली। या तो आप किसी भी डायरेक्शन के ऊपर खड़े होकर देखो, वो आपका सच है, पर वो आपके लिए है, बाकियों का सच और हो सकता है। ये है अनेकतावाद की थ्योरी कि दुनिया में जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो सच है, पर उसके साथ साथ पैरेलल सच बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से लड़ाइयां होती है कि हमारे को लगता है हमारा सच ही सबसे सही है। तो जब मैं उनको उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ तो शायद उनको क्लिक होता है कि चीजों को देखना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है। अब अनेकतावाद की ही थ्योरी है, शंकराचार्य की थ्योरी, आदि शंकराचार्य जैसे बहुत बड़े गुरु हैं जो इंडिया में आए, तो उन्होंने भी क्या कहा कि आपकी जो पार्ट टू सेलिब्रेशन है वो किसके थ्रू है, नॉलेज के थ्रू। भक्ति मूवमेंट के अंदर डिवोशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई, पर अगर आप सारे निर्गुणा सेक्ट्स को देखोगे, सिखिज्म को अगर आप बेसिकली ले लो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात की जाती है कि नॉलेज के थ्रू ही आप भगवान को पा सकते हो। जैसे आदि शंकराचार्य ने जब वो दुनिया में है, तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लड़ क्यों रहे हो, फिजिकल क्यों हो रहे हो, कि अगर आप एज अ ह्यूमन बींग आपने इतना डेवलप किया है, आप यहाँ तक पहुंच गए, आपका कॉन्शियस इतना डेवलप हुआ है, तो आज भी आप जानवरों की तरह कैसे लड़ सकते हो, कि अगर आपको किसी दूसरे इंसान को हराना है अपने विचार पेश करो, अगर आप सामने वाले को अपने विचारों से हरा पाओगे तो वो बंदा वैसे ही अपने आप हार जाएगा। पर ऐसी चीजें समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे अंदर एरोगेंस, ईगोइज्म बहुत होते हैं, क्योंकि समाज ही हमारे को बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह का समाज होगा ना, उसी तरह की लोगों की सोच बनने लग जाएगी, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो सही या सच समझ रहे हो वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट है, उसी तरह से बाकियों के भी व्यू पॉइंट उतने ही सही हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का व्यू पॉइंट गलत नहीं होता, ऑब्वियसली गलत होता है, पर आप जब टॉलरेंस की भावना इससे आती है कि अनेकतावाद, क्या अनेकों सच हो सकते हैं एक चीज, क्योंकि मेरा सच इकलौता सच नहीं है।
तो ब्रदर एक और आपका काफ़ी हिस्ट्री से काफ़ी यूटिलिटी ऑफ रिलीजन को लेके मतलब आप हिस्ट्री से काफ़ी अच्छा यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। तो ये क्या बुद्धा का जो यूटिलिटी ऑफ रिलीजन जो है उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। मतलब बुद्ध को अगर आप देखें तो बुद्ध ने बुद्ध के ऊपर बुद्ध को जब भगवान के ऊपर क्वेश्चन किया गया, हाँ बुद्ध को जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन किया गया जो कि इस दुनिया के हिसाब से नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, भगवान होता है नहीं होता, तो बुद्ध ने क्या कहा कि मुझे इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि आपका जीवन कैसे इंप्रूव होगा, ओके आप अपने जीवन को किस तरह से सही कर सकते हो, कि अगर आप ये जान भी लोगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। हर एक ब्रांड का, एप्पल, सैमसंग, इनका एक हर एक का अपना टैग होगा, एक यस लोगो होगा, इनकी एक टैगलाइन होगी और यस इनके कस्टमर्स होंगे। यस अब वो ही कस्टमर कभी एक कंपनी में चले जाएंगे, कभी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, क्यों जाएंगे अगर वो उनको बेटर प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट ऑफर करती है। दिस इज बेसिकली द इकोनॉमिक्स ऑफ एनी कंपनी, या और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती जाएगी ताकि मैं बाकियों से बेहतर बनती जाऊँ और मेरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर मेरे पास आ जाए, उनके कस्टमर अपने पास आ जाए। दुनिया का को कोई भी धर्म ले लीजिए, हर एक का अपना टैग है, हर एक का अपने लोगो है, हर एक के अपने कस्टमर है जो उनके फॉलोअर्स है। या हर एक धर्म अपने आप को इम्प्रूव इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव नहीं करूंगा तो बाकी धर्म मेरे कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, लोग वहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हिंदुइज्म इतना बड़ा धर्म इसीलिए है क्योंकि उसमें इट हैज विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ओके उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया। अगर सती प्रथा ही तो हटा दी कि खत्म करो ये धर्म को पीछे खींच रहे, क्योंकि धर्म ऐसा खुद में बहुत प्योर है क्योंकि इंसान उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इंसान खुद सेल्फिश है, करप्ट है, तो वो धर्म को खराब कर देते हैं। धर्म कभी भी खराब नहीं हो सकता, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग खराब होते हैं जिसकी वजह से धर्म के नाम के ऊपर गलत बोला जाती है। तो आप कोई भी धर्म ले लो, जैसे वैदिक टाइम पीरियड था हिंदुइज्म, सनातन धर्म का टाइम पीरियड, उसमें कुछ कुछ कमियां आई तो नए धर्म खड़े हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म। क्या कहेंगे वो कि हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे प्रैक्टिसेस के अंदर सेक्रीफाइस बहुत किया जाता बहुत था कैटल जानी को। तो उन्होंने क्या कहा, इस प्रोडक्ट में कोई कमी है, नया प्रोडक्ट लो, जो आपकी कमी है वो हमने दूर कर दी, नॉन वायलेंस। वरना सिस्टम था, बहुत सारे लोगों को अनटचेबिलिटी के सेक्टर में डाल दिया, इन्होंने कहा वी आर ऑल इंक्लूसिव, हमारे पास आ जाओ। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा धर्मों के पीछे लड़ना ही नहीं है। धर्म तो कह ही ये रहा है कि खुद इम्प्रूव करो, खुद अपने आप को रिफॉर्म करो। तो इस तरह से हिस्ट्री, जब कोई बच्चा इस तरह से समझेगा तो ना ही उसके मन में बायसनेस आएगी, क्योंकि तो हम किसी भी धर्म को गलत कह ही नहीं रहे, हर धर्म अपने आप को रिफॉर्म करता है, प्रमोट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम ब्रिटिश हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते थे लाइटन या कि हमारे आने से आपको एनलाइटनमेंट हुई। उन्होंने भी कन्वर्जन किए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कन्वर्जन किए, हमारे यहाँ पर तो क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तो हम उसको कभी भी ये नहीं कहते थे क्रिश्चियंस इन्वेडेड इंडिया, क्रिश्चियंस के इन टू इंडिया, या फिर क्रिश्चियंस कन्वर्टेड इंडिया। हम या मुस्लिम्स के लिए कहते हैं यस दैट फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर दैट केम टू इंडिया, हमने ये तो नहीं कहा फर्स्ट क्रिश्चियन दैट केम टू इंडिया वॉज कैप्टन हॉकिंस या इस तरह से कुछ। क्यों, नैरेटिव, नैरेटिव आप जो नैरेटिव रखोगे लोग उसी को मान लेंगे, आपको बस बहुत स्ट्रांगली पुश करना उस नैरेटिव को। एंड इसी वजह से जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इट इज जस्ट अ नैरेटिव, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से लिखी गई, ठीक है, और हमने उसको पढ़ लिया, वो एक सिर्फ पर्सपेक्टिव है। गाइज ऑन पापा सॉरी हम लोग अभी बात करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट को लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्यों देने चाहिए और मतलब कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स क्यों देने चाहिए। वो कवल ब्रो का पर्सपेक्टिव लेंगे इस पे कि तो कवल ब्रो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट जब 25 और 24 एज क्रॉस कर जाता है तो मतलब उस टाइम वो लोग को एज ए अल्टरनेटिव चूज क्यों करना चाहिए। मतलब उस टाइम उसको लाइफ में मतलब क्या 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 मतलब बेसिकली यहाँ पर ये समझो, अगर आप अभी 24, 25 या 26 साल के हो, आपने दो कटम दे दिए और आपको अगर अभी आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज नहीं किया ना, हाँ आप 30 साल की उम्र में जब जाके करने की कोशिश करोगे तो किसी भी चीज में जाओगे तो आपसे बहुत छोटे बच्चे वहां पर होंगे, जैसे वो 21, 22 में आ जाएंगे, यस ग्रेजुएशन के बाद ही आ जाएगा वो। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप उनसे कम्पीट कर लो, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमारे से ज्यादा एडवांस्ड होगी। आपने पहली बार फोन कब चलाया था, एंड्रॉइड फोन तो नहीं था उम्र क्या थी आपकी, उस टाइम होगी तो 18 की होगी। 18, क्योंकि मैंने भी 18 की उम्र में चलाया। हाँ आजकल के बच्चे कितनी उम्र में चलाते हैं, वो 6-7 ईयर्स 6, 7 ईयर। तो जिस बच्चे ने टेक्नोलॉजी बचपन से ही इतनी ज्यादा देख ली है, आप उससे कैसे कम्पीट करोगे।
वो आपसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे ही होंगे अच्छा उन चीजों में। अब नो डाउट अगर आपका अलग तरह का प्रोफेशन है तो वहां पर आप कंपीट कर सकते हो, पर जो बच्चा 5-6 साल इस फील्ड में लगाते हैं वो अपने फील्ड। अब मैं अगर आज इंजीनियरिंग में वापस जाना चाहूं तो मैं कम्पीट नहीं कर सकूंगा ना नए बच्चों के साथ, क्योंकि वो उस तरह की टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं जो मैं जाके अब सीखना शुरू करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट अच्छा इज ऑलवेज बेटर कि ढंग से तैयारी करो। पहली 2 अटेम्प्ट तो आपको पता है कि हमने ढंग से तैयारी किया, अगर कुछ कमियां रहती हैं तो मैं जॉब के साथ पूरी करूंगा, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे दूंगा, इतना तो आप दे ही सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि जॉब के साथ मेरे को टाइम नहीं दे सकता मैं, तो आपको सिक्योरिटी के साथ फिर रिवॉर्ड भी नहीं मिल सकता। आपने सिक्योरिटी ले ली बैकअप की, अब आपको रिवॉर्ड भी उतना बड़ा चाहिए, तो अगर रिवॉर्ड चाहिए तो उससे मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब के साथ ही 2-3 घंटे दो। और एक्सक्यूजेस किसी को देके क्या ही कर लोगे, एंड देन इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट योर करियर एंड यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये कवल गुरु मुझे आप ये बताइए कि ये 25 जो एज है उसके बाद का जो 25 से 30 का वो क्यों क्रूशियल है, मतलब कि वहाँ पे अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो लाइफ में मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कैरियर ही बर्बाद हो सकता है, मतलब अगर आप बेसिकली ये है कि हमारे को ना ये लग रहा है कि ये जो यूपीएससी है ना वो 10th 12th या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स है, तो हमारा टेम्परामेंट वो होता है। अच्छा इस एज ग्रुप में ना अगर आप नहीं बन पा रहे तो आपके माँ बाप भी बूढ़े होंगे, यही वो उम्र है ना जब आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो उनको बीमारियां लगती हैं, उसका अलग तरह का प्रेशर है। आपके घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा, हम इंसान है, हमारे परिवार होते हैं, हम अमेरिकन सोसाइटी में नहीं रह रहे कि यस यू हमारे घर में कुछ हो रहा है हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो जितना लंबा स्ट्रगल के पीरियड को खींचते रहोगे ना उसके साथ उसकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज वे हायर देन द स्टूडेंट पासिंग इन द लास्ट अटेम्प्ट। यस यूपीएससी का डाटा ये है कि डेटा पहले पे अटेम्प्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चे पहले अटेम्प्ट वाले निकलते हैं हर साल। अगर ये गेम नॉलेज की होती, कंटेंट की होती, तो लाख ही बच्चे के पास तो आप कंटेंट को हरा ही नहीं सकते, उसने 6 साल से आपसे ज्यादा पढ़ा है जो 6th अटेम्प्ट में है, तो क्यों हरा देता पहले अटेम्प्ट वाला बच्चा। बर्डन नहीं है दिमाग पे, प्रेशर नहीं है दिमाग पे ओके उतना, हर साल प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो एक टॉपर था वो 6th अटेम्प्ट में बन गया, हाँ यस ऐसे तो यस बहुत सारे लोगों की लॉटरी भी निकलती है। एक्सेप्शन पे तब हमने जनरलाइज करना शुरू कर दिया कि किन लोगों ने किया। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को मान लो, अब 100 बच्चे बैठे हैं जो 6th अटेम्प्ट में, उनको कहूंगा ना कि 6th अटेम्प्ट में एक बच्चा बन गया था तो दोबारा से मेहनत करने लग जाओ। यस ये नैरेटिव हाँ, मतलब कोचिंग द्वारा प्रमोट किया जा रहा है इन द एंड कोचिंग इज एन इंडस्ट्री। या अब इंडस्ट्री कोई भी हो, बिजनेस इज द मोटिव, और अगर ढंग की कंपनी है तो उसको पता है कि मैं बिजनेस अगर लेके आना चाहता हूं तो मैं बहुत ढंग का प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं, एक तो ये व्यू पॉइंट हो गया। या फिर कंपनीज फॉल सेलिंग कर सकती हैं, तो अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी बनना है तो ऑब्वियसली आप एक एथिकल वैल्यूएबल प्रोडक्ट दोगे, आप बच्चों को नहीं लूटोगे। पर यहाँ पर कुछ क्योंकि एडटेक अवे, एडटेक डिजिटल रेवोल्यूशन, तो तभी एक ट्रस्टेड चीज के साथ ही हमेशा जाना चाहिए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सजेस्ट कर रहे हो? दो दो ओनली हाँ नहीं, दो दो ढंग से तैयारी करके दो फुल दे दो। फ्लेज्ड योर 2 अटेम्प्ट हाँ, 2 अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद किसी जॉब को ज्वाइन कर लो, साथ में यूपीएससी की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा सपना छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने ढंग से तैयारी करनी हो तो 2-3 साल में हो जाएगी जब तक आप 2 अटेम्प्ट दोगे। उसके बाद फिर आपको सारा दिन नहीं पढ़ना, जॉब मिल जाएगी तो थोड़ा दिमाग पे बोझ कम रहेगा। ओके ओके क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों के, क्योंकि मैं यहाँ पर आके सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बोल सकता जो बन जाएंगे, ओके मतलब पीछे लाखों बच्चे हैं जो नहीं बनेंगे, उनको भी तो देखना है ना, उनको भी संभालना है। ब्रो डेटा और फैक्ट्स तो ये बोलता है कि यूपीएससी में 98% या 97% कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं नहीं होंगे होंगे, यस यस होंगे कैसे, उतनी ही सीट्स हैं उतने ही बच्चे निकलेंगे। तो कोचिंग कभी फेलियर्स की फोटो नहीं लगाएगा, हमेशा टॉपर्स की ही लगाएगा। फेलियर्स को कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पर फेलियर होने का मतलब फेलियर नहीं है। ओके कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत, कि अगर जैसे एक बच्चे को मैं मिला था दोपहर को रिजल्ट आया इंटरव्यू का, नहीं हुआ, शाम को वो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा पढ़ने के लिए। इतनी डेडिकेशन होती है बच्चों में। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि थोड़े मेहनत से काम चल जाएगा, कभी छुट्टी ले ली उससे काम कर चल जाएगा, नहीं चलेगा, यूपीएससी में नहीं चल सकता, बिकॉज आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो हर कुछ लगा के इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं।
गाइस ऑन पापा सॉरी, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। तो कौल ब्रो, वेलकम ऑन रैपिड फायर राउंड। राइट, तो रैपिड फायर राउंड का सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि यूपीएससी जर्नी में आपने आपका फर्स्ट मेल फ्रेंड कौन था? वही रूममेट था रहा इन मेल्स में, और इन फीमेल्स में कोई फेमेल इंटरेक्शन ज्यादा करते नहीं थे, वेरी नहीं रखते थे? कंसर्न अबाउट द स्टडीज भी करना है ये। तो ब्रदर ये बताओ कि थर्ड क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड का ये है कि कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में, अगर मतलब कोचिंग घर से है तो बहुत ज्यादा फर्क डाल सकते हैं, कोचिंग बहुत रेलिवेंट आज के टाइम में, ओके कोचिंग एजेंट को है। ओके यूपीएससी एस्पिरेंट को प्रीलिम्स, एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए प्रीलिम्स के? आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लो, उसको बहुत ढंग से कर लो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो 30 35 40 दो हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज टेस्ट देना सिर्फ आपका काम नहीं है, उस टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना कि मेरी गलतियां कहाँ पर है, मैं क्या इससे सीख सकता हूँ। तो टेस्ट देने के बाद 3 4 घंटे का काम अगर आप हर बार कर रहे हो तो 30 35 एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज इज मोर देन एनफ। और मेंस के लिए कितने टेस्ट सीरीज देनी चाहिए? अगेन अगर मान लो आप आंसर लिखते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ढंग का आंसर होता, कि आपको यही वैल्यू इनपुट्स नहीं मिल रहे, दैट हाउ टू राइट अ गुड आंसर। आप 1000 आंसर लिख दो, अगर आपने 5 लिखे, आपको कोई समझाने बताने वाला है कि ये गलती है, इसको इस तरह से इम्प्रूव करना है, तो हर सब्जेक्ट का अगर मैं मान के चलूँ तो 3 से 4 टेस्ट आर मोर देन एनफ हर सब्जेक्ट का। ओके 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 अगर आप उस प्रोबेबल कैंडिडेट्स में आना चाहते हो वो विल क्लियर था। ओके ओके तो ये मेरे को ये बताइए कि आप यूपीएससी जर्नी में फर्स्ट टॉपर जिसका आपने नाम सुना था, टीना डब्बी हमारे टीना टाइम डैब, में वही मेल है, में बताइए। हाँ हाँ, तो मेल में 18 में अथर्व उस मेल। साल वही वाला है। अच्छा, उनका था, दोनों का वो हो गया। तो ब्रदर ये बताइए कि ORN आना कितना जरूरी है एक यूपीएससी बिल्कुल एस्पिरेंट? जरूरी है, कोई जरूरी नहीं? ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स अ वेरी साउंड एनवायरनमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इज वाइड स्प्रेड ओवर हियर, पर लिविंग कंडीशन मेरे को लगता है उतना ही महंगा, उतना ही ज्यादा डिफरेबल है वो सारा कुछ। तो आज के टाइम में तो इंटरनेट है, तो आपको जरूरत ही नहीं है दिल्ली आने की, इन केस आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ले लीजिए, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो आजकल सब देख के। सिर्फ एक ही फायदा, अगर आप अपने घर में रह के नहीं पढ़ सकते, आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, सो यू नीड ऑफलाइन कोचिंग, सो यू नीड टू गो इन टू द लाइब्रेरी, वही हिसाब है। पर हाँ, ऑफलाइन में चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी हमेशा, बिकॉज वहां पर आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, यस 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 और घर में जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है आधा टाइम बेड में बैठे नहीं हो पाएगा, टेबल चेयर इज रिक्वायर्ड। तो कवल ब्रो, मुझे आप ये बताइए कि आप ORN में फर्स्ट टाइम कब आए थे, मतलब इस कोचिंग हब में? ORN में फर्स्ट टाइम मैं आया था जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आया था, अच्छा बुलाया गया था किसी अच्छा अच्छा द्वारा कि आइए बात करते हैं, तो उस टाइम पर आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन यूपीएससी जिसको आप बहुत लव करते हो? एक बार में इकोनॉमी, नॉट और हिस्ट्री? हिस्ट्री, हिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। ओके हिस्ट्री क्या है कि आज तक जो हुआ हर टाइम पीरियड की कहानी है वो। अब मैं मौर्य एम्पायर की बात करता हूँ तो मैं मौर्य एम्पायर का क्या बताऊंगा, इनकी पॉलिटिकल पूरी कहानी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी पॉलिटी कैसे, इनका समाज कैसा था, उनकी हिस्ट्री समझाने का कहने का मतलब क्या है, उनकी हर चीज के बारे में पढ़ाना। हिस्ट्री खुद में सब कुछ है, और उस सब कुछ में से इकोनॉमी मेरे को सबसे पसंद है। तो आप यूट्यूब पे मोस्ट सर्चेबल टॉपिक क्या है आपका, मतलब यूट्यूब पे क्या सर्च करना पसंद करते हो? मेरे को यूट्यूब पे आजकल तो मैं यूट्यूब का देखता ही नहीं चलाता, अच्छा, आप यूट्यूब चलाते ही नहीं हो? मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, वो मैंने शुरू किया है ना पेज वगैरह, हाँ तो हाँ उस पे उस वजह से। पर अगर मैं कभी भी चलाता हूँ तो ओशो सुनता हूँ मैं, ओशो सुनते हो हाँ आप? मेरे इंस्टाग्राम फीड पे भी सारा टाइम ओशो आता है, कि जितने भी पेज है ओशो के वो मैंने सब फॉलो किए हुए हैं, तो ओशो ही चलते हैं। फर्स्ट फिल्म यू वॉच्ड इन थिएटर? तो नहीं मेरे को याद, मेरे को जो बचपन का याद है वो गदर भाई, गद्दर आपने थिएटर में देखी है? गदर हाँ, वो मेरा बचपन का याद है कि मेरे पापा के साथ देखी है। मेरे आपका फेवरेट हीरो इन बॉलीवुड? को शाहरुख खान बहुत पसंद शाहरुख। और है, वो फीमेल फीमेल एक्ट्रेस में? फीमेल में कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, सब अच्छी लगती है, सब अच्छी सब लगती अच्छी है। गूगल लगती को हाउ इफेक्टिवली यूज, मतलब कि गूगल पे आप क्या सर्च करना पसंद करते हैं, मतलब क्या? है। सर्चिंग द गूगल आई प्रेफर मोर ऑन रीडिंग द बुक्स, मैं ओके ज्यादा, मैं ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ इंसान हूँ, कि अच्छा, ओल्ड स्कूल टाइप ओल्ड हूँ, स्कूल टाइप है, अगर मेरे को न्यूज़पेपर में पढ़ना है मैं दूसरा न्यूज़पेपर लूंगा, फिजिकल फिजिकल मतलब। मैं वो नहीं करूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं खुद से ही खुद के नोट्स बनाऊंगा,
तो मैं उस तरह का हूं कि गूगल, ऑब्वियसली गूगल इज अ रिक्वायर्ड थिंग, कि ऐसा नहीं आप कर सकते, पर गूगल का उतना ज्यादा सर्च नहीं करता मैं किताबों के ऊपर ज्यादा रही। तो कल ब्रो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम करता है यूपी असेसमेंट के लिए। बेसिकली दुनिया में कोई भी चीज हो वो डबल एज सॉर्ड है, उसके उतनी ही डिस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज है, उतनी ही कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज है। इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू आर चूजिंग इट। ओके ओके अब जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसमें ओशो ही चलेगा ऊपर से लेके लास्ट तक, या फिर साइंस के फैक्ट्स होंगे। ओके ओके अगर आप डांस वाली वीडियोस देख रहे हो तो आपके इंस्टा एल्गोरिदम है वो, बेसिकली वो आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। सो इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया। बहुत लोग करियर बना लेते हैं सोशल मीडिया में, बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं, और उसी सोशल मीडिया के ऊपर आप हर रोज स्क्रॉल करते हो अपना करियर खराब कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग जो बच्चे नहीं समझ पाते वो ये है कि ये सोशल मीडिया आपके कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को कम कर रहे हैं। ओके हर 20-60 सेकेंड की जब आप इतना कंटेंट रैपिडली कंज्यूम करने लगते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन गिरता है, तो आप किताबें पढ़ ही नहीं पाओगे, आप इतना लंबा बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान आपको हर 60 सेकेंड में कुछ नया चाहिए। अगर आपको वो चीज ढंग की नहीं लगेगी तो आप 5-6 सेकेंड में उसको स्किप कर दोगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी लाइफ में डेटिंग ऐप यूज़ किया? डेटिंग ऐप टिंडर और हाँ उस टाइम पे किया ना, जब कॉलेज से बाहर, जब तैयारी के बाद जॉब मिल गई थी तो आप पता अच्छा है कि ठीक है करियर निकलेगा क्योंकि पढ़ना आ चुका है, तो उस टाइम पे किया है, पर वो सेंस ही नहीं है उस चीज ओके का। ओवर द टाइम्स अगर रियलाइज, पीछे मैं मुड़ के देखूं नहीं फायदा नहीं है, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ बहुत ज्यादा, कि जब तक इमोशंस कनेक्ट ना करें तो मैं उस तरह की चीजों में, मेरे को समझ में ही नहीं आता। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो ब्रदर आप टी प्रेफर करते हो कॉफ़ी? चाय। टी कर दो प्रेफर, राइट? आपने बताया कि आपका बुक्स पढ़ने की आपकी हैबिट्स, राइट? तो उसमें आप तीन तीन नॉन फिक्शन बुक्स हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहिए, नॉन फिक्शन। फिक्शन में अभी जो लेटेस्ट, अच्छा मतलब बेस्ट बताती हूँ। हाँ बेस्ट में बताइए। नॉन फिक्शन में ज्यादातर तो ओशो पढ़े, मतलब अच्छा अगेन ओशो पढ़े, उसके अलावा पॉलो पॉलो पढ़ता हूँ काफी, एल्केमिस्ट अच्छा पढ़ी हुई है मेरे को, किताब बहुत पसंद लगती है। उसके अलावा यूवल नोआ हरारी को मैं मानता हूँ कि ही इज अ वेरी गुड राइटर, कि जो उसने होमो सेपियंस लिखी है, हाँ तो उस किताब ने मेरे माइंडसेट को बहुत चेंज किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जीवन के ऊपर दस्तेवस्की, रशियन राइटर है वो आपको खत्म कर सकता है, है खत्म इन द सेंस कि वो आपको ये इतना फील करवा सकते कि हम बहुत छोटी चीज है, इंसान कुछ भी नहीं होता। वो इस तरह का राइटर है, पर उसको वही आगे वो एक अलग डायमेंशन है चीजों के बारे में। व्हाट यू लव डूइंग इन फ्री टाइम मीन्स एज ए हॉबी क्या परस्यू करते हो? फ्री टाइम में डिपेंड करता है कि कहाँ पर हूँ, तो उस जगह के हिसाब से, अगर मैं अपने घर पर हूँ जहां पर मेरा कंफर्टेबल जोन है तो मैं तो कुछ ना कुछ देखूंगा टीवी के ऊपर। अगर मैं पढ़ वगैरह नहीं रहा, अच्छा बिल्कुल फ्री हूं, तो मैं या तो प्ले स्टेशन खेलूंगा या फिर टीवी में जियो, जैसे आजकल गेम ऑफ थ्रोन्स देखता हूँ। तो ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी तीन फ्रेंड्स को बुलाना चाहे हाउस पार्टी के लिए अपने घर में, मतलब पार्टी करने, तो तीन फ्रेंड्स कौन होंगे आपके लाइफ में जो अभी? अगर तीन फ्रेंड्स ही हो तो जो मेरे साथ तैयारी के टाइम में थे, तो उन्हीं को कॉल करूँ? हाँ जो मेरे पीजी वाले थे उन्हीं को बुलाऊंगा, वही मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है महक, संदीप था, जशन है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाए। अगर तीन नहीं आएंगे वो सारे आएंगे, ग्रुप ही आएगा? तो ओके ओके दैट वाज द बेस्ट। बच्चे ये रियलाइज नहीं करते, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, दैट इज द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू हैव द एक्सेस टू ऑल द नॉलेज दैट यू कैन गेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके दिमाग के ऊपर उतनी टेंशन नहीं, आपको लगता है कि 1-2 साल तो लगेंगे यूपीएससी में, तो आपको वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है यूपीएससी का, जब आप पहले 2 साल में होते हो ना तैयारी के, वो ही है बस। तो ब्रदर ये रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है गाइस जो ब्रदर से पूछूंगा। तो ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि डू यू प्रिफर टू बी, मतलब अरेंज मैरिज करना चाहोगे कि लव नहीं मैरिज? मेरी मैरिज हो गई है आपकी मैरिज हो गई है अभी, वही है 2 महीने पहले, 2 महीने पहले भी? तो वाज इट मतलब इट कि वॉज अरेंज मैंने बहुत देख के अरेंज मैरिज किया, कि ऐसा नहीं है कि अरेंज में भी जो, सो आई टुक नियरली अबाउट 1.5 ईयर टू फाइंड दैट गर्ल। और हाँ कि बेस्ट, कि जो मेरे को लाइफ पार्टनर मेरा, शी इज बेस्ट, कि मेरे को समझाना नहीं पड़ता दैट दिस इज मी,
कि मेरा ये दायरा है, कि अगर जैसे मैं लेक्चर के बाद मेरा मुंह दुखता है कि अगर आप 5-6 घंटे के लेक्चर लेके आ रहे हो, मेरा नहीं मन किसी से बात करने का, हाँ आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद एनीवन, सो शी अंडरस्टैंड्स इट, इसको अपनी जगह चाहिए, ये टीवी के सामने जाके बस बैठेगा अभी 1 घंटा किसी से नहीं बात करेगा, मेरा मुंह दुख रहा है, मैं इतना बोल के आया हूँ, मैं नहीं बोल सकता किसी से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो शी हैज मेड माई लाइफ अ बेटर प्लेस, अ ब्यूटिफुल थिंग, की वैल्यू एड की है. और जब वो मैं देख रहा हूँ तो मैं भी उतना ही कोशिश करता हूँ, दिस इज वॉट मेक्स अ रिलेशनशिप ब्यूटिफुल. क्या वैल्यू एड करते हो आप अपने फायदे के लिए, नहीं दूसरे को यूज कर रहे, आप उसके फायदे को देख रहे हो कि वो, और जब दोनों इंसान ऐसे करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है. तो ब्रदर, ये जो मैरिज का है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, और उनको कब, एट व्हाट एज उनको मैरिज कर लेना चाहिए आपके हिसाब से, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं? ये क्वेश्चन ही गलत है. गलत है क्या? मतलब ये समझो कि मैरिज मेरे को ये लगता है कि तब करना चाहिए जब आपको सही इंसान मिल जाए, और जो आपके साथ सही रास्ता, मतलब कोई भी रास्ता आ जाए उसमें चलने को तैयार. तो एज मैटर नहीं करती. मेरा एक दोस्त है, He got married at the age of 21. He was preparing for UPSC. वो love marriage थी. अब condition ऐसी थी कि करनी पड़ेगी, तो थोड़ा माहौल ऐसा था, तो उसने किया. He still survived. आज तक ढंग से कर रहे हैं. तो उसने उस time पे भी की, आज भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मेरा best friend, उसने अभी तक नहीं की. He's a PCS officer also. मैंने इस time के ऊपर कर ली. तो हर एक का अपना जर्नी होता, पर ये जरूर कहूंगा कि पैरों के ऊपर बंदा थोड़ा बहुत स्टैंड हो जाए, खुद को ढंग से होल्ड अप करने लग जाए, तब शादी करने. तो गाइस, आज का रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ गाइस. तो कवल ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी राइट. तो आपने मेरे को बोला, मैं अपने व्यूज रखता हूँ, तो आई शुड बी थैंक. ओके ओके, बट आपने जो जर्नी शेयर किया ना यूपीएससी को लेके, यूपीएससी का जो पर्सपेक्टिव दिया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. तो उसके लिए तो मैं रियली, मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा. थैंक यू. बस ये डिस्क्लेमर है दैट दिस इज ओनली अ पर्सपेक्टिव अगेन. ओके, ये मेरा व्यू पॉइंट है. एम 100% कॉपी अगर करोगे तो आप मेरे व्यू पॉइंट को कॉपी कर रहे हो. यस, अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा हमेशा. नेवर कॉपी एनीवन 100%, नेवर बी अ फैन ऑफ एनी पर्सन. या क्योंकि ये हमेशा मान के चलो, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है. होती है. हम जब किसी इंसान को फॉलो करने लग जाते हैं ना ब्लाइंडली, तो गलत करते हैं. ओके ओके, तो ये मतलब आपका व्यू पॉइंट है राइट. अगर ठीक लग रहा है देन इट्स ओके, बट डू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस. ओके 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 कवल ब्रो, थैंक यू फॉर एंडिंग दिस इंटरव्यू ऑन पापा सॉरी. और मुझे तो काफी मजा आया कवल ब्रो से बात करने में, और अब मैं होपफुल हूँ कि आप लोग को भी मजा आया होगा एक कन्वर्सेशन से. ओके गाइज, थैंक यू.